सबको जय मसीह की। आइए हम लोग अपनी शाम की इबादत शुरू करेंगे, दुआ में अपने स्वर को चुकाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु जी, आपके महान पवित्र चरणों में आते हैं। दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान आपका भवन है खुदावंद, और आपका लहू है प्रभु जी। अपने हाथों को उठाते हैं और आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपने बहुत बड़ा अनुग्रह जो करोड़ों अरबों पर दुनिया पे नहीं हुआ, आपने कुछ मुट्ठी भर लोगों पर किया जिनमें से हम हैं, क्या आपने अपनी नजदीकी में आने का फजल बख्शा और इस महान संदेश से आपने हमारी मुलाकात कराई। प्रभु सच में हम इसको डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन ये आपका चुनाव था। आपका शुक्र मालिक, आपका धन्यवाद हो। हमारे हृदय और हमारे दिल और हमारा सर खुदावंद आपकी इज्जत में झुका हुआ है। आपने बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में किया है, शायद कई बार हम उसे रियलाइज नहीं करते प्रभु, क्योंकि दुनियावी चिंताएं और दुनियावी भागा दौड़ इतनी ज्यादा होती है हमारी जिंदगी में कि हम उस रियलाइजेशन को भूल जाते हैं कि जो काम आपने हमारे जीवन में किया है। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका नाम मुबारक हो। हमारा हृदय आपका बहुत धन्यवाद करता है। हम जो कुछ भी हैं आपके दया से ही हैं, आपके अनुग्रह से ही है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारी पत्नियां, सब कुछ आपके लहू के नीचे हैं और सुरक्षित हैं। आपने हमें आंसू बहाने से रोका है, आपने हमारे हृदय को दुखित होने से बचाया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमारे तमाम आंसू आपने पी लिए और हमारे दुखों को भी आपने अपने कंधों पर उठाया और आपने सिखाया कि एक मसीह को कैसे चलना चाहिए। आपका शुक्र प्रभु, आप एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है हमारे जीवन के लिए। एक मसीह को आप ही की तरह होना चाहिए। प्रभु जी, हमारे हफ्ते भर की गलतियों को आप क्षमा करें, हमसे बहुत बार गलतियां हुई हैं, आप माफ करें। हमने बहुत बार अविश्वास किया है वचन पर, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हमारे हृदय को अपने लहू से धो के साफ कर दें और शाम को प्यारी में बैठने का अनुग्रह बख्शें। इससे पहले हमारे हाथ उस कटोरे को पकड़ें और हमारे हाथ उस रोटी को पकड़ें। प्रभु हमें क्षमा करें आप, और अपने हृदय को आपके साथ ठीक कर लें, क्योंकि अब घर जाने का समय बहुत निकट आ गया है। जो कोई दाग धब्बे हमारे जीवन में है, आप उसे मिटा दीजिए। अपने लहू से हमारे दिमागों को धो दीजिए और अपनी तरह निर्मल बनाए। प्रभु जैसा जीवन आपने पृथ्वी पर रहते जिया, हम पर दया करें, हम भी उसी जीवन को जिए हैं और एक सही एग्जाम्पल मसीह का इस पृथ्वी पर रखें। और प्रभु जी आपसे गुजारिश है, हमें बस घर ले चलें आप। लॉर्ड हमें घर ले चलें बस आप, हमारा बिल्कुल मन भर चुका है। अब हमारी कोई भी डिजायर ऐसी है नहीं दुनिया में रहने की, ना कोई शौक ना कोई इच्छा। खुदावंद बस एक इच्छा है कि आपके साथ चले जाएं यहाँ से, क्योंकि ये आपका वादा है। और प्रभु आप आने वाले हमें लेने के लिए। खुदावंद आपका शुक्र हो। खुदावंद आपने पिछले दिनों 3 दिन का सेमिनार होने का फजल बख्शा, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारा काम सुचारू रूप से हुआ प्रभु, कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी को कोई चोट नहीं आई खुदावंद, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब आपके अनुग्रह में हुआ। आपका शुक्र हो खुदावंद, बहुत से जीवन यहाँ से बदल के गए। हालेलुया, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, वी जस्ट गिव यू थैंक्स लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते अपने हाथों को उठा के, आपका धन्यवाद हो। आपने हमारी दुआओं को सुना है, हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावंद। आप हमारी दुआओं को सुनने वाले महान खुदा हैं खुदावंद। पास्टर भाई को आपने इस्तेमाल किया, आपका बहुत धन्यवाद हो। आप उनके थके हुए शरीर को बल प्रदान करें, जबकि लगातार उन्होंने मीटिंग्स लिए हैं प्रभु, ईस्टर की मीटिंग्स लिए हैं प्रभु जी, उसके बाद सेमिनार्स, बहुत सारी शादियां। लॉर्ड एक मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता यदि आप उसके साथ ना हो। प्रभु जी एक बार फिर अपने पासवान को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उन्हें बल प्रदान करें, आप उन्हें शक्ति प्रदान करें प्रभु, अपनी सूझबूझ और ज्यादा प्रदान करें। और खुदावंद अपने हाथों में उन्हें लेके रखें। प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई मार्क के लिए प्रभु, जिनकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइज है। हमारे भाई को संपूर्ण चंगाई बख्शें। मुझे पता है प्रभु शैतान खुश नहीं है हमसे, वो कभी हो भी नहीं सकता। खुदावंद उसका भांडा फूट चुका है और उसका विनाश अब निकट आ गया है। खुदावंद हमारे भाई को संपूर्ण चंगा करें आप, और खुदावंद उठा के खड़ा करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे भाई टाइटस के लिए प्रभु,
जिनके मार्फत आपने सुबह हमसे बातचीत करी, भैया को बहुत हिम्मत दें। तीन दिन लगातार वो भागा दौड़ी करते रहे प्रभु, पर पूरे हफ्ते ही तैयारी में रहे, जबकि खुदावंद भाई बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बाद भी मुस्तैद खड़े हैं एक क्रिश्चियन सोल्जर की तरह। भाई को बरकत दें, उनके शरीर में बल दें, और खुदावंद अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम में से कोई भी इस दुनिया में बस भटके ना, कोई खोए ना प्रभु, हम आपको हैंग ऑन कर लें बस, हमारा लंगर आप में पड़ा रहे हमेशा, और हमारी किश्ती कभी भी डगमगाए ना प्रभु। अब समय बहुत निकट आ गया है, रहम करें मालिक, प्रभु जी दया करें। खुदावंद कैसे प्रभु जी, जब मैं संदेश को पढ़ रहा था प्रभु, भाई बहन उस कॉलोराडो के तूफान में फंस गए थे, और वो सोचते थे मैं बहुत अच्छा गाइड हूँ, और खुदावंद उस जंगल में भटक गए, लेकिन देखते जबकि उस जंगल का चप्पा चप्पा वो जानते थे, लेकिन प्रभु उस तूफान के कारण वो बेचारे भटक गए भाई हमारा, और प्रभु कैसे वो रास्ता ढूंढ रहे, लेकिन उन्हें रास्ता मिल नहीं रहा जंगल में, और वो तूफान बढ़ता जा रहा था प्रभु, उनके बच्चे और उनकी वाइफ नीचे कैबिन में थे खुदावंद, लेकिन वो वहाँ टेलीफोन की वायर थी, और वो दुआ कर रहे थे प्रभु काश मेरे हाथ में वो वायर लग जाए ताकि मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँ, और प्रभु जी उन्होंने अपने टोपी को उतार लिया और अपने हाथों को ऊपर उठाया और उस वायर को टटोल रहे थे, और प्रभु जी उन्होंने इस बात को माना कि जंगल को मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ, और प्रभु जी आपके देह से वो वायर उनके हाथ लग गई और उस कैबिन तक पहुँच गए, सुरक्षित स्थान तक प्रभु। खुदावंद कई बार आज दुनिया में गुम हो जाते हैं हम, और खुदावंद वो वायर हमारे हाथ लगती नहीं है, प्रभु जी आप कुछ भी करें ये वायर हमारे से छूटे ना, और ये वायर हमारी लाइफ लाइन है, और ये वो संदेश है प्रभु, ये मैसेज है, इसको अपने हृदय में होल्ड करके रखें प्रभु, चाहे कहीं भी रहें कुछ भी करें, लेकिन इस संदेश को अपने जीवन से चुपका के रखें और इसको मनन करें प्रभु, दया करें, एक बहुत ज्यादा समर्पित जीवन आपके साथ जिए, बहुत ज्यादा डेडिकेट लाइफ, किसी को दिखाने के लिए नहीं बस आपको दिखाने के लिए प्रभु, ताकि आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो और हमें ऐसे घर ही ले चले एक दिन। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया प्रभु, कई बार शर्म से सर झुकते नीचे, जो आपके लिए करना चाहिए था वो कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभु आप दया करें, एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी आपके लिए रखें इस पृथ्वी पर, रहम करें मालिक, दया करें, शाम को हमारे हृदय से बातचीत करें, जो टूटे हृदय उनको संभालें आप, जो परिवार टूटे उनको जोड़ दीजिए मालिक, और खुदावंद ये आप ही कर सकते, बस आप ही कर सकते, प्रत्येक हृदय से बात करें, हर एक हृदय से आप बातचीत करें, पवित्र आत्मा के कानों में आप ही फुसफुसाए और आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से बात करें। खुदावंद आज शाम की मीटिंग आप ऐसे उतरे प्रभु जैसे आप कभी नहीं उतरे, और प्रभु जी उसके बाद घर ही ले चले, बस घर ही ले चले, रहम करें, इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं, विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गीत का नंबर इंग्लिश सेक्शन में 187, सच लव। आमेन। आप खुश हैं, आनंदित हैं, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। That God should love a sinner such as I should yearn to change my sorrow into bliss.
faithful is love like this. And now he takes me to his heart, a son. He asks me not to fill a sorrow and play the far off country, wandering all the time. Wide open arm, his arms of grace. Hallelujah! Such love, such such as I. How wonderful is love like this. How wonderful is love like this. How wonderful is love like this. Hallelujah. Such love, such wonder love. Amen. That God should love a sinner such as I. मुझे जैसे पापी ने उससे प्यार किया, उन्होंने हमसे प्यार किया. Amen. क्या आप हमें कुछ दे सकते हैं इसकी खातिर? कुछ नहीं है, बस एक समर्पित जीवन, एक समर्पित जीवन, एक डेडिकेट लाइफ आप उनको दे दीजिए. हालेलुया, उनका धन्यवाद हो. क्या ताली बजा सकते हैं उनकी तारीफ में? हालेलुया, वो इनके योग्य है. थैंक यू जीसस, ब्लेसिड बी दाई नेम, यू आर अ वंडरफुल गॉड. हालेलुया, ब्लेसिड बी दाई होली नेम. थैंक यू जीसस. आप लोग बैठ सकते हैं. हमारे बीच में एक बहुत प्यारा गाना, स्पेशल सॉन्ग है, और मैं अपने अजीज भाई भाई जोसेफ जॉन को आगे बुलाना चाहूँगा. भाई जोसेफ जॉन खुदा उनकी तारीफ में बहुत प्यारा गाना गाना चाहते हैं. खुदा का धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस, सच वंडर लव लॉर्ड, यू आर अ वंडरफुल आमेन, यू आर अमेजिंग गॉड. थैंक यू, हालेलुया, ब्लेस्ड बी थाई नेम लॉर्ड. थैंक यू जीसस, यू आर अ वंडरफुल, यू आर अमेजिंग गॉड. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का बड़ा धन्यवाद है, शुक्र तारीफ हो. अपने राजा महाराजा, अपने महाराजा अधिराजा के शान में एक गीत गाना चाहूँगा. और मैं कह सकता हूँ अपने प्रीवियस पास्टर, पास्टर प्रवीण लाल की याद में ये गीत गाना चाहूँगा, कि ये गीत उन्हीं का है. वो बहुत, मैं कह सकता हूँ मेरे पास वर्ड नहीं है कि वो किस तरीके से इस गीत को गाते थे. उनकी याद में ही मैं ये गीत गाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ क्योंकि ये हम सब का गीत है, इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आप सब भी मेरे साथ जुड़ जाएं. महाराजा यीशु तोरी होवे जय जयकारी. आमेन, आमेन, क्योंकि वही सारे आदर महिमा धन्यवाद शुक्र तारीफ के योग्य हैं. वो योग्यता से बढ़कर हैं. हालेलुया, प्रेजेस बी टू हिज होली नेम, उनके नाम की महिमा हो. ओके, मुझे मालूम है आप लोग बैठ नहीं पाएंगे. Praises, praises. Thank you, Jesus. We need you, Lord. We need your help, Lord. Praises, praises. Maharaja Yeshu Tori Hove Jai Jai Kari Maharaja Yeshu Tori Hove Jai Jai Kari Hove Jai Jai Kari Tori Jai Jai Kari.
लेकिन ये आज के युग में नया हो गया मेरे प्रियो। हमारी हो वे जय जय कर।
जयकारे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदा का धन्यवाद उस बहुत ही प्यारे गाने के लिए। उनका नाम मुबारक हो। हमारे बीच में गवाही है, मैं सिस्टर मेरी कुटी डेविड को आगे बुलाना चाहूंगा। बहन प्रभु की तारीफ में गाना गाना चाहिए, एक गवाही देना चाहती है सिस्टर मेरी। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमारे जीवित खुदावंद का गवाही देना चाहती हूँ, उनके नाम की महिमा हो। मेरी मम्मी को लास्ट वीक में 3-4 दिन से बहुत परेशानी था, हेडेक था, सोर थ्रोट था, डिफिकल्टी ब्रीथिंग डिफिकल्टी था, सॉलोइंग डिफिकल्टी था। तो मालूम नहीं था किसी को, सबने प्लान वगैरह दे के ऐसे लिटाए, मगर लास्ट मंडे को नाइट में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। तो फिर ट्यूसडे मॉर्निंग में डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर घर में आया, दे के गया, इंजेक्शन लगाया उसने। मैं डॉक्टर ने बोला मुझे कोरोना लग रहा है, मैं ब्लड सैंपल लेके जाती हूँ, और ब्लड सैंपल लेके गया। 2-3 घंटे में फ़ोन आया, उनको कोरोना है, थोड़ा कुछ ज़्यादा सीरियस है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उस टाइम इधर तो मीटिंग हो रही ट्यूसडे मॉर्निंग में, और 11th hour labors के बारे में भाई आशीष प्रीच कर रहे हैं, तो मैं सुन रहे थे। तो मुझे मैसेज आया, उधर से फ़ोन आया, मम्मी को हॉस्पिटलाइज कर रहे, कोरोना आया, कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया। तो मैंने पोस्ट करके, मैसेज को पोस्ट करके दुआ करना शुरू किया, प्रभु कोरोना होके अगर मम्मी 92 ईयर्स है और बैप्टाइज है, उनको लुकआउट करने के लिए सर्वेंट है घर में और कोई है नहीं है, तो मम्मी को हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो मैंने सोचा अभी कोरोना हो गया तो ICU में करेगा, उस वेंटिलेटर में डालेगा, अगर डेथ हो गया तो फिर ब्लैक के पोलिथीन में रैप करके घर में लेके नहीं आएगा, उधरी से मोर्चरी में भेजेंगे। तो मैं बहुत बहुत परेशान होकर दुआ कर रहे थे। दुआ करने के बाद मैंने ऑन किया, पोस्ट करके मैसेज मैं फिर ऑन किया, तो एकदम भाई आशीष बोल रहे जोर ख़त्म हो गया। तो मैंने जोर कहाँ से आया, अभी तो 11th hour labors के बारे में बोल रहे, बुखार कहाँ से आया भाई, कैसे बुखार के बारे में बोल रहे। मैंने बुखार के लिए दुआ किया, तो भाई बोल रहे, फिर भाई बोल रहे वो तो 7th hour में था, 1 बजे का टाइम। तो मैं घड़ी में देखा तो करेक्ट 1 बजे। तो मैं बोला ये क्या हो गया प्रभु, भाई 1 बजे इधर बोल रहे, मेरा घड़ी में 1 बजे। तो मम्मी ठीक हो गया, मेरे अंदर विश्वास आ गया, मैं बहुत धन्यवाद दिया। फिर मैंने उसमें देखा भाई ने कौन सी चैप्टर लिया, तो John 4:47 लिखा है, नोबल पर्सन है, उनका बेटे को लिए बिंदी प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने बोला तुम्हारा बेटा चंगा हो गया। तो सर्वेंट से पूछा कब है, 7th hour में, मतलब 7 घंटे में है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बोला अभी ना वेंटिलेटर में डालेगा, ना ऑक्सीजन वाला है, उनको मम्मी के ठीक होना शुरू किया, और गला जो बंद था वो ठीक होना शुरू हो गया। मम्मी पानी पीने कुछ नहीं पी रहे थे, पानी का मतलब एक चम्मच डाले तो थूकते थे, पानी पीना शुरू किया। 3 दिन के बाद 4th दिन में कल बोल रहे तुम मेरे को, तुम लोग कंजी कंजी क्यों पिलाते रहते हैं, कंजी मतलब खिचड़ी बार बार, क्योंकि सोलोइंग डिफिकल्टी है, कुछ खाते नहीं था, खिचड़ी क्यों खिला रहे थे, मुझे परोठा खिलाओ। तो मैंने बोला प्रभु प्रभु, भाई ब्रणम ने जो लुकीमिया लड़की के लिए प्रार्थना किया, वो लड़की कुछ नहीं खा रहे थे, तो भाई ब्रणम ने प्रार्थना किया था, वो लड़की ने बोले मुझे बर्गर खिलाओ। तो ये हाल मेरी मम्मी के साथ भी हो गया, मुझे बार बार कंजी मत पिला, मुझे परोठा खिलाओ, भाई से परोठा खाती नहीं है। तो मैंने प्रभु कितना महान है, और ऑक्सीजन जो मम्मी का ऑक्सीजन लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। फिर कल एक्सरे लिया, कल के दिन सैटरडे को एक्सरे लिया, तो डॉक्टर कह रही है अभी तो मम्मी तो बहुत बढ़िया हो गया, जल्दी हो गया, और तुम लोग घर में लेके जाओ। कल मम्मी को डिस्चार्ज हो गया, घर में लेके आया, कोरोना इतना सीरियस हालत में, इधर से पुलपिट से भाई प्रणाम भाई आशीष बोल रहे हैं, खुदावंदी है भाई आशीष नहीं, खुदावंद बोल रहे हैं, जोर ख़त्म हो गया। ये कहाँ से जोर आ गया, मेरे कान में वही जोर ख़त्म हो गया। मैं बोला प्रभु मम्मी हो गया ठीक, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, केरला जाना नहीं पड़ेगा, 3 दिन का मीटिंग में अटेंड कर सकता है, प्रभु की महिमा हो। और मेरा एक और गवाही है, मेरा कैटरेक्ट का सर्जरी होना था, हो गया अब ठीक है। एक और गवाही है, कल मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, सुबह मैंने सोचा ऐसा गैस होगा, शाम हो गया तो थोड़ा सा और बढ़ गया, रात को बहुत सीवियर तरह से पेन हो रहे, कंजेशन हो रहे, तो मैंने सोचा हॉट वाटर बोर्ड लगा दी, हॉट फॉर्मेशन दे दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। मैं न इधर लेट रहे, न इधर लेट सकते, न सीधा हो सकते, मैं परेशान में प्रभु के सामने, क्लाउड के सामने खड़े होकर रोया, मैं अकेली घर में कोई भी नहीं है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, किसको बुलाऊँ।
ऐसे परेशान होकर दुआ किया, फिर 4 बजे फिर दुआ किया, प्रभु मुझे चर्च में भी जाना है, अगर ऐसे हो तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा मैं कुछ भी चर्च में जाएगा, अगर कुछ हो गया तो चर्च वाले के सामने, प्रभु के सामने होएगा, घर में नहीं होगा। ऐसे बोले सुबह आया इधर आ गया तो बिल्कुल ठीक है, अभी तो कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? मेरा प्रभु ही है। असंभव को संभव करने वाले, संकट का समय साय से मिलने वाला प्रभु है। अक्का धन्यवाद, सारे आदर सारे मामा मेरे प्रभु को ही मिले। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद करो। आमेन। ये गवाही बताती हूँ, वो जीवित हमारे बीच में है। भाई अजय बेंजामिन भी हैं, भाई भी खुदा की तारीफ में गवाही देना चाहते हैं। भाई अजय, प्रेज लॉर्ड, उनका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ, हमारे 3 भाई एमपी से आए थे, खुदा उनका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और उनके जीवन में कैसे अद्भुत काम हुआ मैं आपको गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन करा और बोला भैया ये ज़रूर बताना। मैंने भैया को बताया, भैया ने बोला आप ज़रूर गवाही दीजिए। एक भाई था राजेश जो आया, जिसके लिए प्रार्थना हुई। जब वो वहाँ से चला एमपी से, उसके ऑपरेशन हुआ था, वो सीधा बैठ नहीं सकता था, वो ऐसे लेट के आया था उल्टा ट्रेन के अंदर। क्योंकि मैंने उनको बोला आप ज़रूर आइए, ये बहुत जो लीडरशिप हो रही है इसमें कुछ ना कुछ बहुत कुछ होगा, इसमें ज़रूर आइए आप। तो उन्होंने बेचारों ने मानी मेरी बात और वो 3 भाई आए। ऐसे लेटा आया था वो, उसका पाइल्स का कैसे का कुछ ऑपरेशन हुआ था। जब वो यहाँ आया और नहाया धोया और यहाँ घुसा भवन में, वो जाके कुर्सी पे बैठ गया। और उसे 3 दिन हो गए, उसको ये ही नहीं पता कि मेरा ऑपरेशन हुआ था। वो कह रहा भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने खुदा का बड़ा धन्यवाद हो। उनका कुछ नामों की प्रॉब्लम थी, हमारे पास्टर भाई को खुदा ने बहुत बरकत दे। तो मैंने सबको बोला हुआ आप पर्सनल बात करो भाई से, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बीच में मत लो, आप पर्सनल भाई से बात करो। भैया के पास गए, कुछ नाम की प्रॉब्लम थी, भाई ने बताया अरे ये तो नाम बहुत बढ़िया नाम है आपका, प्रजापति। बड़े खुश हो गए वो, क्योंकि नाम उनकी काफ़ी जमीन वमीन है, जो उनके नाम है उसमें सब में बड़ी बदली कराना पड़ता, बड़ी प्रॉब्लम होती। वो यहाँ से और आनंदित गए, बहुत ही खुश थे। अब वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठने के बाद वहाँ पर एक फौजी था, जब यहाँ से बैठे वो बहुत रोता 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 जा रहा था। अचानक इनकी सीट भी वहाँ पे थी, इनकी उसकी भी सीट यहाँ पे थी, बहुत रो रहा वो। तो इन काफ़ी दूर निकल गए, मथुरा आगरा निकल गया। तो इनके दिल में आया हम इस भाई से बात करें, भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उस भाई से बात करी, भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको, आप जब से देख रहे हैं हम आपको रो ही रहे हो, रो ही रहे हो, रो ही रहे हो। उसने बोला भैया ये जो ऊपर लेटी ना ये मेरी बेटी है, और इसको डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह दिखाया, इसको पहले 1 महीने में 1.5 महीने में प्रॉब्लम होती थी, ऐसे उसकी गर्दन जो भी दुष्ट आत्मा थी ऐसे पीछे मोड़ देती थी, और इवन उसका यूरिन और लैटिन भी निकल जाती थी, इतनी प्रॉब्लम थी उसको। और ये 6 महीनों से जब से प्रॉब्लम हुई है सोई नहीं है, ये जगी रहती है, ये जगी रहती है, ये सोती नहीं है। तो उनके दिल में, तीनों के भाइयों में के दिल में आया, आप जानते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करोगे हमारा जीवता प्रभु यीशु मसीह है, और हम इसके लिए दुआ करेंगे और ये ठीक हो जाएगी। जब आदमी परेशानी में होता है तो सब कुछ बोलता हाँ हाँ करूँगा, उन्हें हम सच कह रहे हैं आपसे। तो उन्होंने बोला अच्छा भाई मैं तब विश्वास करूँगा जब मेरी बेटी सो जाएगी, जो कि कई महीनों से सोई नहीं थी। तीनों भाई उठे, तीनों भाइयों ने हाथ रखा, दुआ करी, वो ऐसी सोई, सूरत आगे जहाँ उतरना था और वो उतरे ना, अब उसको हिला रहे हैं, अरे बेटी घर आ गया, बेटी घर आ गया, और उसका खुशी के मारे ठिकाना नहीं उस फौजी का। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आप ये बताओ उसका नाम क्या था और कितने उम्र की थी। तो उन्होंने बोला भैया वो 12 साल की थी। अरे हालेलुया। और मैंने उसका नाम क्या था, कह रहे उसका नाम था झलक,
मैंने खुदा अपनी झलक दिखा के चला गया उसको चिंगाई दे के, और उन्होंने फटाफट नंबर दिया, कह रहे भैया हम विश्वास करते हैं कि आपका यीशु मसीह जिंदा है और आप मैम हमसे कांटेक्ट करिए। उससे मीटिंग हुई रात के 2 बजे तक, क्योंकि उन्हें दूसरे दिन उतरना था। 2 बजे तक मीटिंग चली। मैं अक्सर सोचता था यार मैं MP जाता हूँ और बीच में कोई ऐसा स्टॉप नहीं पड़ता कि मतलब कोई मिले जिसके यहाँ मीटिंग हो, तो सूरत में। फिर एक और उनको एक और भाई से बातचीत हुई, वो भी ये जवान लड़का था, उन्हें भैया मैं विश्वास करता, और वो कटनी उतरा। तो मतलब 2 उनको कॉन्टैक्ट मिले प्रभु की दया से, सारे आदर सारी महिमा उसको मिले। और उसकी लड़की ठीक है, सुबह भी मेरे पास फोन आया भैया, उससे हमने बात करी, वो अब भाई फौजी, वो फौजी है, वो बहुत खुश है। खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया, हमारे खुदा को महिमा मिले हैं। वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर, उन्हें कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता। जायरस डर मत, सिर्फ विश्वास रख, तेरी बेटी मरी नहीं सोती है। आमीन। वो कल आज युगानुयुग से हैं, उनका धन्यवाद हो इन बढ़िया गवाहियों के लिए, और हमारे बीच में है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर और जल्द से जल्द संदेश में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस महान प्रेशियस स्कोर सुनवाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रभु यीशु मसीह को इन्वाइट करेंगे। थैंक यू जीसस। ओनली बिलीव। थैंक यू जीसस। ओनली बिलीव एंड ऑल थिंग्स आर possible and only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe. And all things are possible. My Lord, I believe. Yes, Lord. My Jesus is here. Pastor Bhai Ashish, Bhai Nishal. My Jesus is here. And things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Under your shed blood we come, Lord. प्रभु आपके बाहवे लहू के नीचे हम आते हैं। Thanking you for this day which you have given to us. धन्यवाद करते हुए इस दिन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है। And we really thank you for the privilege of coming and worshiping you. और अब आपका वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं कि आपने सौभाग्य दिया कि हम आके आपकी उपासना कर सकें। And truly, Lord, we have an altar where we can come. और सच्ची तौर से प्रभु हमारे पास एक वेदी है जहाँ पर हम आ सकते हैं। And commune with you, Lord. और आपसे आके बातचीत कर सकते हैं। We thank you for this evening, Lord. इस शाम की बेला के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for the wonderful testimonies we heard. और इन अद्भुत गवाहियों के लिए जो हमने सुनी, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। And the song which was sung, Lord. और जो गीत जो गाया गया, Lord, we thank you for that. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। Now, Lord, come amongst us and break this bread of life for us. अब हमारे बीच में आए और इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें।
as we commit ourselves into your hands of grace. Jabki hum apne aap ko aapke anugrahkari haathon mein saanpte hain. In the name of Jesus Christ our Lord, we ask this prayer. Prabhu Yeshu Masih ke naam se hum is prarthana vinti ko mangte hain. Amen. Amen. Let's open our Bibles. Aaiye hum apni Bibles ko kholenge. And let's turn back to Revelation chapter 21. और हम फिर से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय. एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1 एंड वर्स 2. और हम पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे. एंड आई सॉ अ न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ फॉर द फर्स्ट हेवन एंड द फर्स्ट अर्थ वर पास्ड अवे एंड देयर वाज नो मोर सी. एंड आई जॉन सॉ द होली सिटी न्यू जेरूसलम coming down from God out of heaven, prepared as a bride, adorned for a husband. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा. फिर मुझ यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा. वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो. Thank you, Lord, for Thy word. Under Your blood we come. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके लहू के मातहती में हम आते हैं. For fellowship, संगति के लिए. Break this bread of life for us. इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. Amen. You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं. We really thank God for this day. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए. For him giving us another opportunity to come in his presence. खुदावंद ने हमें एक और सौभाग्य दिया कि हम उनकी उपस्थिति में आ सकें. To meditate upon his word. ताकि उनके वचन पे मनन कर सकें. It's he who is our protection. ये वो हैं जो हमारी सुरक्षा हैं. And it's he who keeps every thought and every spirit under control. और ये वो हैं जो हर एक आत्मा को, हर एक विचार को अपने नियंत्रण में रखते हैं, हर एक आत्मा को अपने नियंत्रण में रखते हैं. Nice to see our precious pastor Emmanuel with us. और खुदावंद का धन्यवाद हो कि हमारे अजीज पास्टर इमैनुएल हमारे बीच में मौजूद हैं. God bless you, brother. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे भाई. And we really thank God for this day which we have. और हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो हमारे पास है. To meditate upon his word. कि हम उनके वचन पे मनन कर सकें. Now I'd like to move on into this message with you. अब इस संदेश में आपके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा. And may God break this message further for you. और काश खुदावंद इस संदेश को आगे आपके लिए तोड़ें. And show you the things. और आपको वो चीजें दिखाएं. I'm starting from paragraph 374. मैं 374 अनुच्छेद से चालू कर रहा हूं. And now it says, now God made three Bibles. अब यहां लिखा है खुदा ने तीन बाइबलों को बनाया है. Now there is a pyramid teaching that's nonsense. अब एक पिरामिड की शिक्षा जो बकवास है. But there is a genuine pyramid. लेकिन एक वास्तविक पिरामिड है. See, notice now God first Bible. अब ध्यान दीजिए, देखो खुदावंद की पहली बाइबल. He made three. उन्होंने तीन बाइबल बनाई. Have to be everything in a three. और हर एक चीज को तीन में होना आवश्यक है. Jesus comes three times. प्रभु यीशु मसीह तीन दफा आते हैं. Come once to redeem his bride. और एक बार आते हैं अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए. Next time to get his bride. अगली दफा आते हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए. Next time with his bride. और उसके अगली दफा आते हैं अपनी दुल्हन के साथ. See? देखा? Now notice how beautiful. See? अब देखिए कितना खूबसूरत है ये. And in this pyramid was seven steps. और इस पिरामिड में सात सीढ़ियां थी. And then the king's chamber. और उसके बाद फिर राजा का कमरा. And we are in the seventh church age. और हम सातवीं कलीसिया काल में हैं. Before the king takes his throne. इससे पहले कि राजा अपने सिंहासन को ले. And remember. और याद रखिए. The pyramid never did have a capstone on it. कि पिरामिड पे कभी भी कोई चोटी का पत्थर था नहीं. Now God's first Bible was in the skies. अब खुदावंद की पहली जो बाइबल थी वो आकाश में थी. The zodiac. जिसे हम राशिफल कहते हैं. It starts off and runs every age. और ये चालू होता है और ये हर एक युग में आपको देखेगा. द फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द ज़ोडियक इज अ वर्जिन. और राशि फलों की जो आरंभ है वो चालू होता है कुंवारी से. दैट्स हाउ ही कम फर्स्ट. और इस कन्या राशि में होकर वो पहले आए. द लास्ट फिगर इन द ज़ोडियक इज लियो द लायन. और अंतिम राशि जो हमें इस राशि फल में दिखती है वो है सिंह राशि, जो कि शेर है. द सेकेंड कमिंग, जो कि दर्शाता है दूसरी आमद को. जस्ट बिफोर देयर इज अ क्रॉस्ड फिशेस. और उससे ठीक पहले आप पाएंगे कि
मछलियां जो है, मछलियों का जोड़ा है जो इधर उधर मुख करे। टॉकिंग अबाउट दैट क्रैब एक्चुअली, वो बातचीत कर रहे हैं, सॉरी, केकड़े की, विच इज द कैंसर एज, जो कि कर्क का युग है, कैंसर का युग है, दैट वी आर लिविंग इन नाउ, जिसमें कि अब हम रह रहे हैं। देयर वाज अ पिरामिड आफ्टर दैट, और उसके बाद आप पाएंगे एक पिरामिड है, इनोक विच टेस्टिफाइड एग्जैक्टली, हनोक जिसने उसकी संपूर्णतया गवाही दी। वी वुडंट हैव टाइम टू गो इनटू इट, हमारे पास समय नहीं होगा कि हम उसमें जाएं, बट समडे, लेकिन किसी दिन, बाय गॉड्स हेल्प, खुदावंत की मदद से, आई शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट एग्जैक्टली ड्रॉज द डायमेंशन ऑफ द आर वी आर लिविंग, और सटीकतापूर्ण उन मापों को बनाएगा जिसमें कि हम रहते हैं। I just told you, I think last time, मैं सोचता हूं कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, that the pyramid is a second Bible, कि पिरामिड जो है वो दूसरी बाइबल है, and the zodiac was the first Bible, और जो राशिफल था वो पहली बाइबल थी, zodiac had the stars, और राशिफल में सितारे थे, which keeps on changing positions, जो कि अपने स्थानों को बदलते रहते हैं, but now to measure those stars, लेकिन अब उन सितारों को मापने के लिए, and कैच द टाइम एलिमेंट, और समय के तत्व को पकड़ने के लिए, गॉड इंस्ट्रक्टेड इनोक, खुदावन ने निर्देश दिया हनोक को, टू मेक दिस पिरामिड, कि वो इस पिरामिड को बनाए, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, और हमें यह समझना जरूरी है, दिस पिरामिड वॉज एग्जैक्टली मेजरिंग दैट बाइबल, कि ये जो पिरामिड था ये सटीकतापूर्ण उस बाइबल को नाप के दिखा रहा था, एंड कनेक्टिंग दैट बाइबल विद दिस अर्थ, और उस बाइबल को इस पृथ्वी के साथ जोड़ रहा था। आई थिंक यू आर कैचिंग इट, मैं सोचता हूं कि आप पकड़ रहे होंगे। दैट बाइबल व्हिच वाज इन द स्काइज, वो बाइबल जो कि आकाश में थी, स्टार्टिंग फ्रॉम वेगो एंड गोइंग ऑल द वे टिल लियो, जो कि चालू होती कन्या राशि से और जाती है सिंह राशि तक, हैड टू बी मेजर्ड इन टाइम, जरूरी है कि समय में वो नापा जाए। And that time element of that Bible and the events was put in the pyramid. और जो समय की सारणी है और जो घटनाएं हैं जो उन राशिफलों में थी वो pyramids में डाली गई। In other words, the happenings of that Bible was measured and put in ages as measurements in the pyramid. तो हम पाएंगे कि जो घटनाएं उस बाइबल में जो आकाश में पाई जाती थी उन सितारों में उन राशिफलों में होकर के उसमें जो समय सारणी थी वो पिरामिड में उम्रों में लिख कर दिखाई गई थी। No, I'm not saying that. It was those ages where those happenings will happen were measured in the pyramid measurements and put in the pyramid. जो घटनाएं उन युगों में होंगी वो नाप करके उन पिरामिड्स में रखी गई थी। For example, a length of a step. उदाहरण के तौर पे एक सीढ़ी की जो लंबाई है, Now that's not just the length of a step. अब ये केवल सीढ़ी की लंबाई नहीं है, It's the length of a age. ये एक युग की का पूरा समय है। If you can calculate and understand the conversion factor, you'll exactly know how long each age will go. अगर आप उसको सीढ़ी को नापें और आपके पास अगर एक कन्वर्जन फैक्टर हो तो आप सटीकतापूर्ण जान पाएंगे कि एक युग का लंबाई कितनी होगी। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, अगर आप इसको समझ जाएं, द प्रॉफिट इज सेइंग आई विल ड्रॉ यू एग्जैक्टली द डायमेंशंस ऑफ दिस आवर, तो नबी ने कहा कि मैं सटीकतापूर्ण इस घड़ी के डायमेंशन यानी कि परिमाण को आपके सामने रखूंगा। देन यू विल नो द टाइम एलिमेंट फॉर दिस एज, तब आपको इस युग के समय के जो का तत्व है उसको आप पहचान पाएंगे। एंड एग्जैक्टली नो व्हेन द ब्राइड इज गोइंग, और आपको सटीकतापूर्ण से पता लग जाएगा कि दुल्हन कब जा रही है। एंड आई बिलीव इफ वी आर हिटिंग नियर दैट, और मैं विश्वास करता हूं अगर हम उसके करीब आ रहे हैं, वी आर नियरिंग अ टाइम, हम एक समय के करीब आ रहे हैं, वेयर वी विल नो दीस थिंग्स, जबकि हम इन चीजों को जान लेंगे। गॉड इज ओपनिंग अप मोर एंड मोर एवरी डे, खुदा रोजाना चीजों को खोलते चले जा रहे हैं, एंड ड्रॉइंग विद अस द थिंग्स, और हमारे सामने चीजों करके दिखा रहे हैं, एंड शोइंग अस व्हाट्स फॉर दिस आवर, और ये दिखा रहे हैं कि इस घड़ी के लिए क्या है। सो ही सेड ही एग्जैक्टली ड्रॉज द डायमेंशन ऑफ दिस आवर, तो वास्तविकता में इस घड़ी के परिमाण को बनाते हैं। नोटिस बट दिस ज्योग्राफिकल मेजर, लेकिन ध्यान दीजिए इस भूगोलिक माप को, नाउ दैट वी हैव हु डायमेंशंस आर द सेम, जिस जो हमारे पास है जिसका डायमेंशंस बराबर है, doesn't necessarily mean that it has to be a cube. Iska matlab ye nahi hai ki isko ek cube hona chahiye. Notice, this would answer Egypt's or the Enoch's sign
in Egypt. ध्यान से देखिए ये जवाब देगा उस मिस्र में पाए जाने वाले हनोक के चिन्ह का. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Now let me draw this pyramid for you. आइए मैं इस पिरामिड को आपके लिए बनाता हूं. And you have a basic idea. और आपके पास एक मूल विचार है. It's a square base. इसका जो बेस है वो चौकोर है. I've drawn it in such a way that you are viewing it from a side. और मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि आप एक तिरछी ओर से इसको देख रहे हैं. If you can understand it from say this side or that side. हो सकता है इस तरफ से या उस तरफ से. So that I can draw the top also for you. ताकि मैं इसकी चोटी को भी आपके लिए बना पाऊं. Who's put it on, brother? Please put it off. That's the top. ये चोटी है. And this is a square base, please. और इसका जो बेस है नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल चौकोर है. And as the prophet explained, it's 1500 miles square. और जैसे नबी ने समझाया ये 1500 मील स्क्वायर है. In other words, दूसरे शब्दों में, the length, the breadth are 1500 and 1500 miles each. जो चौड़ाई है और जो लंबाई है वो 1500 मील की है. And then, if I can give a projection of the height. और अगर मैं आपके पास इसकी ऊंचाई के प्रोजेक्शन को दे पाऊं, राइट टिल द सेंटर, बीच तक के, आई थिंक यू कैन विजुलाइज इट. मैं सोचता हूं कि आप अपनी कल्पना में इसको सोच सकते हैं. दैट हाइट इज आल्सो 1500 माइल्स. ये ऊंचाई भी 1500 मील की है. इज दैट ओके? क्या बात ठीक है? नाउ टेकिंग दिस एज द मेजरमेंट्स द प्रॉफिट गेव अस, और इसको नाप के रूप में लेकर के जो नबी ने हमें दिया है, we have some other interesting things. हमारे पास कुछ और दिलचस्प चीजें हैं. If you can visualize, अगर आप visualize कर सके, this side, the corner angle, इस तरफ जो कोने का जो इसका कोण है, it works out to be 54.7 degrees. ये बनता है 54.7 कोण का. And if you measure the slant, because the prophet is talking about angles, nabi baat cheet kar rahe hain yahan par kono ki, agar hum iske slant ko dekhe, yahan se tirchhepan ko dekhe, the slant of the wall, jo deewar ki jo slant hai, the measurement works out to be around 63.4 degrees. wo jo uska maap hai wo banta hai 63.4 degree. This is the angulation of that pyramid. ye hai wo pyramid ka jo tirchhapan hai, the angle by which the wall is slanted. वो एंगल जिसमें होकर के जो दीवार है साइड की वो तिरछी हुई हुई है. That's right. ये बात सही है. Now if you can see this, अगर आप इसको देख पाए, 63.4 degrees is quite a steep angle. 63.4 जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा सीधा सीधा लगभग एक एंगल है. It's something like this. वो लगभग कुछ ऐसा है. And if it's a very steep angle, और अगर ये बहुत ही स्टीप एंगल है, you can well appreciate that climbing up this to the top with this body would require lot of energy. तो इस देह के साथ शिखर तक चढ़ने के लिए आपको बहुत ताकत की जरूरत होगी. In other words, दूसरे शब्दों में, those who are living on this mountain, which is the bride of Christ, वे जो कि इस पहाड़ पे रह रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, they can't live on this mountain with this body. वो इस ये बात जाहिर है कि वो इस देह के साथ तो इस पहाड़ पे रह नहीं सकते. And there is no cars or scooters that can be run on such a slope. और कोई गाड़ी और कोई स्कूटर नहीं जो कि इस वाली स्लोप पे चलाई जा सके. And maintained. और वो मेंटेन करके रखी जाए. No doubt it'll not be there. बेशक ये वहां पर नहीं होगा. So you can very well understand that the body that's going to survive this angulation and go up and down has to be another body. तो ये बात तो जाहिर है कि जो देह जो कि इस वाले एंगल को और इस वाले तिरछेपन में चल सकती है वो बिल्कुल ही फर्क देह होगी. Amen. Amen. Just try to see to these things. अब इन चीजों को देखने की कोशिश करिए. Because the prophet talked about the angulations of the wall. क्योंकि भाई ब्रैनम ने इस दीवार के जो तिरछेपन है उसके एंगल को बताया. Amen. Amen. And this is very important to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए. That this dimension which has been given for the new city, कि ये परिमाण जो कि दिया गया है नए नगर यरूशलम के लिए,
Now the cloud which was taken as a photograph, अब बादल जो कि तस्वीर के बतौर लिया गया, was only 26 miles high. वो केवल 26 मील ऊंचा था. Is that right? क्या बात सही है? And the plane goes to 35,000 feet. और जो हवाई जहाज है वो 35,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है. That is about 5 miles, 9 kilometers. जो कि 9 किलोमीटर यानी कि 5 मील की ऊंचाई पर है. 5 or 6 you can say. 5 और 6 मील की ऊंचाई तक जाता है. That's right. बात सही है. And the cloud is 26 miles high. और बादल जो है वो 26 मील ऊंचा है. This mountain is 1500 miles. और ये जो पहाड़ है ये 1500 मील ऊंचा है. When you talk about the cloud, जब आप बात करें बादल की, 26 miles high, it is in upper stratosphere. जब आप बात करें बादल की 26 मील ऊंचा तो ये अपर स्ट्रेटोस्फियर में है. And if you go a little few more kilometers up, अगर हम कुछ और किलोमीटर ऊपर जाएं, you will break the atmosphere. आप इस वातावरण खला को से बाहर चले जाते हैं. And you strike the outer space. और आप भारी अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं. At the height of 1500 miles, 1500 मील की ऊंचाई पे, you're actually touching the outer space. आप वास्तविकता में भारी अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं. Where there's no atmosphere. जहां पर कोई भी ये वाला वातावरण नहीं है. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? To go to that height, उस ऊंचाई पे जाने के लिए you need different kind of lungs. आपको फर्क किस्म के फेफड़ों की जरूरत होगी. Is that right? क्या बात सही है? And the lamp, the Bible says, is the light of that city. अब बाइबल बताती है मेमना उस शहर की रोशनी है. Who will be living at the top? जो कि चोटी पर शिखर पे रहेगा. So if I take it in the terminology of this day, और अगर मैं इसको आज के दिन की भाषा शैली में लूं, the throne would be like an outer space where satellites are moving today. तो सिंहासन वहां होगा जहां पर भारी अंतरिक्ष है, जहां पर आप पाएंगे कि ये सैटेलाइट्स घूम रहे हैं. That's right. बात सही है. It's at that level. ये है वो स्तर. Where the king will have his throne. जहां पर राजा का सिंहासन होगा. And then to understand this, और फिर इसको समझने के लिए, that this city and the plan which has been discussed in the Bible, कि ये शहर और इसकी जो योजना जो कि बाइबल में डिस्कस की गई है, is a, of course it's a city, yes. बेशक ये एक शहर है. But it's a parallel to something else. लेकिन ये समानांतर है किसी और चीज का. And what is that thing? और वो चीज क्या है? Your and my theophany. आपकी और मेरी theophany. Is that right? क्या बात सही है? God bless you, sister. God bless you. Nice to see you. God bless you, बहन. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. Now, so we find. So हम पाते हैं. This city represents our theophany. ये जो शहर है, ये हमारी देह को, हमारी theophany को दर्शाता है. That's right. क्या बात सही है? Now, the design of this city speaks of our theophany. जो इस शहर का, इस नगर का जो डिजाइन है, जो नमूना है, वो हमारे थियोफनी के बारे में बात करता है. It may not be possible to break everything. ये संभव नहीं होगा हर एक चीज को खोल के बताया जाए. But there are some things which we can mention. लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हम उल्लेख दे सकते हैं. When we study the city, we can draw a parallel with the theophany. जब हम इस शहर को पढ़ते हैं तो हम एक थियोफनी का हम समानांतर बना सकते हैं. Now, according to the city, अब इस शहर के अनुसार, Enoch made a pyramid. इस शहर के अनुसार हनोक ने एक पिरामिड बनाया. Is that right? क्या बात सही है? In Egypt, मिस्र देश में. Now this is Enoch's pyramid. अब ये हनोक का पिरामिड है. That's right. ये बात सही है? And this is the city. और ये है वो शहर. New Jerusalem. नया यरूशलम. And this pyramid was a sign. और ये पिरामिड जो था ये एक चिन्ह था. विच वॉज आंसरिंग टू दिस सिटी. जो कि जवाब दे रहा था इस शहर के बारे में. दिस पिरामिड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सिटी. ये जो पिरामिड था ये आगे की ओर अग्रसर था इस शहर की ओर. दैट सिटी वुड कम इन फ्यूचर. कि ये शहर नगर ये जो है ये भविष्य में आएगा. बट According to that plan, लेकिन उस योजना के अनुसार, he made a small pyramid on this earth. उसने एक छोटा पिरामिड बनाया पृथ्वी के ऊपर. Now when he put this pyramid, जब हम इस पिरामिड को रखें, I'm saying brother, when he, not a we, जब उसने पिरामिड को रखा, it was the time just before the flood. तो ये था ठीक उस जल प्रलय से पहले. And brother Branham said, और भाई ब्रैनम ने कहा, I'm drawing a line here. मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रहा हूँ. Water was coming. पानी आने वाला था. वाटर टू डिस्ट्रॉय दिस अर्थ विद फ्लड. पानी इस पृथ्वी को
बर्बाद करने के लिए डुबाने के लिए आने वाला था. बिफोर द फ्लड केम, इससे पहले कि जल प्रलय आए, गॉड अलाउड इनोक टू प्लेस द बाइबल इन हेवन इन द शेप ऑफ अ पिरामिड ऑन अर्थ. तो खुदा ने अनुमति दी हनोक को कि वो बाइबल जो कि आकाश में थी उसको पृथ्वी पर रख दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग प्लीज? क्या समझ रहे हैं आप? Now we need to understand. अब हमें समझना जरूरी है. As the earth goes through three stages, जैसे पृथ्वी तीन चरणों से होकर गुजरती है, a believer passes through those three stages. एक विश्वासी तीन चरणों से होकर गुजरता है. Water, blood, and spirit. पानी, लहू और आत्मा. But notice this. लेकिन ध्यान दीजिए. Before the water step came in the earth. इससे पहले कि पृथ्वी पर पानी वाला चरण आए, फर्स्ट द बाइबल वॉज प्लेस्ड ऑन अर्थ. पहले बाइबल पृथ्वी पर रखी गई. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर इज नो वाटर बैप्टिज्म बिफोर वर्ड बीइंग प्लेस्ड इन द हार्ट. कोई पानी का बपतिस्मा हो नहीं सकता जब तक कि पहले वचन हृदय में रा रख दिया जाए. Until you receive a revelation. जब तक कि आप एक मुकाशवे को प्राप्त ना कर लें. That revelation is your pyramid. तो वो मुकाशवा आपका पिरामिड है. That's the basis of faith, because faith is a revelation where your stature of perfect man would be built. तो ये है वो विश्वास का आधार जहां पर कि आपका सिद्ध मनुष्य का डील डॉल बनाया जाएगा. इनसाइड योर हार्ट, आपके हृदय के अंदर. यू नो द मैसेज, आप संदेश जानते हैं. बट दैट इज प्लेस्ड बिफोर यू गो फॉर वाटर बैप्टिज्म. लेकिन ये रखा जाता है इससे पहले कि आप आगे पानी के बपतिस्मे में जाएं. दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए. द पर्सन गोइंग फॉर वाटर बैप्टिज्म इज नॉट अ डल डम माइंड हु सेज We need baptism. Okay, brother, I'll take baptism. It's not like that. It's a man who has a revelation in the heart. जो इंसान पानी के बपतिस्मे के लिए जा रहा है वो एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि बिल्कुल डल दिमाग का हो, जिसका दिमाग सुन पड़ा हो, जिसका दिमाग में कुछ काम ना चल रहा हो. लेकिन ये वो इंसान है जिसके पास पहले वचन अंदर रखा गया है. When that word is placed inside, जब वचन अंदर रख दिया जाता है, then comes the water stage. तब आती है पानी का अवस्था. Understanding? क्या समझ रहे हैं आप? It's very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Something has to be revealed. जरूरी है कि पहले कोई चीज प्रकाशित हो. What happened to the eunuch? उस खोजे के साथ क्या हुआ? Philip, a minister, was sent to him to open for him the word for that age. Philip, पवित्र आत्मा के द्वारा उस खोजे के पास भेजा गया ताकि पहले उस युग के वचन को उसके सामने खोले. To open the masterpiece. ताकि सर्वोच्च रचना को खोल दे. Because what he was reading was masterpiece. जो वह पढ़ रहा था वो सर्वोच्च रचना थी. Isaiah 53. यशाया 53. And Philip was sent to open the masterpiece for him in present tense. और फिलिप उसको भेजा गया कि उस सर्वोच्च रचना को वर्तमान काल में उसके सामने खोल दे. Then that pyramid was set in the eunuch's heart. तब वो पिरामिड जो था वो स्थित किया गया उस खोजे के हृदय में. He also understood. वो भी समझ गया. I am a part of this Bible. मैं इस बाइबल का हिस्सा हूँ. I belong to that stars. I belong to that pyramid. मैं उन सितारों का हूँ. मैं उस पिरामिड का हूँ. And when he understood, he belongs to those scriptures. और जब वो इस बात को समझ गया कि वो इन आयतों का है. He was wounded for our transgressions. वो हमारे अपराधों के हेतु कुचला गया. Then Philip, I mean that eunuch could understand. तो फिर वो खोजा समझ पाया. My transgressions. मेरे अपराधों के लिए. And by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके. That eunuch could apply to his life personally. और वो खोजा इसको व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में लागू कर पाया. Is that right? क्या बात सही है? Amen. Amen. So when he could sort of harmonize with that scripture in present tense, तो वो तालमेल बना पाया उस आयत का वर्तमान काल में अपने साथ. God placed a portion of the scripture in his heart. खुदावंद ने वचन के हिस्से को उसके हृदय में रख दिया. Then that eunuch replied. तब उस खोजे ने कहा. Water is here. पानी यहाँ पर है. Now who can stop me from being baptized? अब मुझे कौन रोक सकता है बपतिस्मे से? That's when he was baptized in the name of Lord Jesus Christ. ये वो समय जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो उसने बपतिस्मा को प्राप्त किया. Samaritans didn't take baptism initially. और सामरियों ने पहले शुरुआत में बपतिस्मा नहीं लिया. First Philip preached to them Christ. पहले फिलिपस ने उनके सामने मसीह का प्रचार किया. Try to understand this. इसको समझने की कोशिश करें. Birth is a process. पैदाइश एक क्रिया है. Birth begins with a revelation. और पैदाइश चालू होती है एक मुकाशवे के साथ. Then comes water, blood, and spirit. फिर आता है पानी, लहू, फिर आत्मा. It's all a part of birth. ये सब कुछ पैदाइश का हिस्सा है. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? That is why it's so important. Now see, the thing is,
It's only God who judges the hearts. आप देखिए ये बड़ी ये महत्वपूर्ण चीज है और खुदावंद है जो कि हृदयों को जांचते हैं. When somebody says, "Brother, I want to be baptized," we don't stop. We say, "Fine, God bless you." But you see, finally, it's between him and God. आप देखिए कि जब कोई आता है हमारे पास कहता है भाई हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने जाते हैं हम उन्हें नहीं रोकते लेकिन आखिरकार ये बातचीत उसके और खुदा के बीच की है. It's between him and God because until that revelation has struck that brother's or sister's heart. And water baptism wouldn't mean anything. आज मैं कहना चाहूंगा कि जब तक कि वो मुकाशवा उस भाई या बहन के हृदय में ना आया हो तो वो पानी के बपतिस्मा कुछ लाभ नहीं है. No, no, it doesn't. कुछ लाभ नहीं है. But when that revelation strikes, लेकिन जब वो मुकाशवा हृदय में आता है, and he says, "I want to go to the water." और कहता मैं पानी में जाना चाहता हूँ. He said, "I want to be baptized." वो कहता मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ. That's the right approach. ये मैं कहूंगा कि ये right approach है. God put a pyramid first. पहले खुदा ने एक पिरामिड को रखा. इन इनोक्स टाइम हनोक के जमाने में. देन इन नोअस टाइम फिर नूह के जमाने में. ही डिप्ड इट इन वाटर उसने उसको पानी में डुबा दिया. द होल अर्थ पूरी पृथ्वी को. एज द फर्स्ट साइन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ दिस अर्थ इस पृथ्वी के छुटकारे के पहले चिन्ह के बतौर. That the earth is going to be redeemed in future. कि जो पृथ्वी है भविष्य में आगे छुड़ाई जाएगी. Isn't it strange? क्या ये विचित्र नहीं है? God destroying the earth is actually a sign that He's going to redeem this earth. खुदावन पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं. वास्तविकता में ये एक चिन्ह है कि वास्तविकता में खुदावन इसको छुड़ाएंगे. Dying is living. मरना ही जीना है. Is that right? ये बात सही है? Remember the Good Friday message? आपको याद है Good Friday का संदेश? If you can die with Him, you can never die. अगर आप उसके साथ मर सकते हैं आप कभी नहीं मरेंगे. Never, never. कभी नहीं. You live forever. आप हमेशा तक जिएंगे. Because you have eternal life. क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है. And you know what kind of life is that. और आप जानते हैं वो किस किस्म का जीवन है. Eternal life always witnesses present tense. अनंत जीवन हमेशा वर्तमान काल की गवाही देता है. Eternity is always present tense. अनंतता हमेशा वर्तमान काल है. So now Enoch put the pyramid. So Enoch ने यह पिरामिड को रखा. And the measurements on this pyramid. और जो माप है इस पिरामिड पे दे सॉर्ट ऑफ टेक इनटू कंसिडरेशन द डायमेंशंस ऑफ दिस अर्थ एंड इट्स रिलेशन टू सन टू मून. यस. और जो माप इस पिरामिड में रखे गए वो इस तरीके से रखे गए कि जो चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं उनका संबंध चांद से सूरज से और ताराओं से मिला करके. द रेडियस ऑफ द अर्थ और पृथ्वी का जो रेडियस है. द डायमीटर ऑफ दिस अर्थ और पृथ्वी का जो डायमीटर है. ऑल दोज मेजरमेंट्स वर पुट हियर. वो तमाम माप यहां रखे गए. एंड दैट्स व्हाट पीपल हैव डिस्कवर्ड. और यही तो लोगों ने जाके फिर खोज करी. व्हाट दे हैव नॉट येट डिस्कवर्ड प्रॉपरली और जो सही तरीके से उन्होंने वास्तविकता में जो चीज की खोज नहीं करी वो ये है. इज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रैंड गैलरी. और वो है. Can you show me now, brother? वो है माप उस ग्रैंड गैलरी बड़ी जो गैलरी है उसका. इफ यू कट द पिरामिड एंड लुक इनसाइड इट. अगर हम पिरामिड को काटे और अंदर भीतर देखें. दिस इज द ग्रैंड गैलरी. ये है वो महान गैलरी. वेयर दे हैव पुट सेवन स्टेप्स. जहां सात सीढ़ियां रखी गई हैं. एंड दोज सेवन स्टेप्स स्टैंड for the seven church ages which brother Branham keeps on mentioning in the message. aur ye jo saat seedhiyan hain wo darshati hain saat kalisa kalon ko jisko ki bhai Branham ne bar bar ullekh diya hai. ascent into the king's chamber. ye upar chadke jana us raja ke kamre mein. is that right? and he's tying the king's chamber to the millennium. aur wo raja ke kamre ko jod rahe hain hazar salana badshahat ke sath. and there's somebody who stands here. और कोई है जो कि यहां पर खड़ा होता है. Who ushers the oncomer into the king's chamber. जो कि आगंतुक को लेके जाता है प्रवेश देता है राजा के कमरे में. ushering in of the millennium. जिसे कहते हैं हजार सालाना बादशाहत का What प्रवेश. was that? ये क्या था? The seventh seal. सातवीं मोहर. It even ends the ushering in of the millennium. और नबी ने बताया कैसे कि सातवीं मोहर जो है वो हजार साल नाराम बादशाह के प्रवेश को भी समाप्त करता है. But that seventh seal is by a seventh spirit. लेकिन वो सातवीं मोहर सातवीं आत्मा के मार्फत है. Which came in a man today. जो कि आज एक मनुष्य में आया. And he's the one. और वो है वो. Who leads the man to the king's chamber. जो कि आगंतुक को राजा के कमरे में लेके जाता है. Amen. Amen. Now let me go a little further with you. अब मैं थोड़ा आगे आपके साथ पढ़ता हूँ. These dimensions must be clear. ये परिमाण आपके सामने स्पष्ट हो गए होंगे. This is just the beginning. Best put it down. We may break more on it in future. हम इसको लिख लेते हैं और हम इसको बना लेते हैं. हम आगे भविष्य में इसको और खोल करके देखेंगे. But let's just keep on reading. लेकिन आइए हम पढ़ते रहते हैं. Now the point to understand is. अब बात समझने की ये है. I John saw the holy city, New Jerusalem,
कमिंग डाउन फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन. फिर मैंने मुझ यहुन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा. A city is descending. एक नगर जो है नीचे उतर के आ रहा है. If a city is descending from heaven, अगर एक नगर स्वर्ग से नीचे उतर के आ रहा है, definitely it is not earthly. तो बेशक वो पृथ्वी वाली चीज तो है नहीं. It is something made in heaven. ये कुछ ऐसी चीज है जो कि स्वर्ग में बनाई गई है. By a heavenly material. कुछ स्वर्ग के पदार्थों के द्वारा. And it's coming down on the earth. और वो पृथ्वी पर नीचे उतर के आ रही है. To settle somewhere. कहीं पर आकर के वो स्थित हो जाए. Now try to see it. अब इसको देखने कोशिश करें. How will it happen? अब ये कैसे होगा? Let's read about Enoch's pyramid first. आइए पहले हनोक के पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं. 379 अनुच्छेद. Referring to Enoch's pyramid. हनोक के पिरामिड पे संकेत देते हुए. But this geographical measure now. लेकिन ये जो भूगोलिक माप है अब. That we have. जो हमारे पास है. Who dimensions are the same. जिसके परिमाण बिल्कुल बराबर हैं. Doesn't necessarily mean that it has to be a cube. और इसका मतलब ये नहीं कि इसको एक क्यूब होना चाहिए. Notice this would answer Egypt or the Enoch's sign in Egypt. ध्यान से देखें ये जो मिस्र देश में पाए जाने वाले हनोक का चिन्ह है उसका जवाब देगा. So pyramid is a sign. So pyramid एक चिन्ह है. Enoch's sign. हनोक का चिन्ह. Can you get that? क्या ये बात समझ में आ रही है? Now I'm going further. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. In the earth's time of purifying by its baptism of fire. अब पृथ्वी के शुद्धिकरण का जो समय है जो कि होगा आग के बपतिस्मे के द्वारा. There will be volcanic. तो वहां पर ज्वालामुखी होंगे. Such as this earth exploding. जो कि इस पृथ्वी से फूट के निकल आएंगे. And will push up a pyramid like माउंटेन. और इस ज्वालामुखी का असर क्या होगा? ये एक पिरामिड के आकार का एक पहाड़ भार उभार के लेके आएगा. टुडे इट इज नॉट देयर. आज वो यहां पर नहीं है. बट इट विल कम आउट. लेकिन ये बाहर निकल करके आएगा. अ पिरामिड लाइक माउंटेन विल पुश अप आउट ऑफ दिस अर्थ. इस पृथ्वी के बाहर निकल के आएगा पिरामिड के आकार का एक पहाड़. हाउ मच हाइट? और कितनी ऊंचाई? 1500 miles. 1500 मील ऊंची. देयर इज नो नाउ बाय द वे व्हेन यू गो टू द हिस्ट्री ऑफ हिमालयस. अगर आप जाएं इतिहास में हिमालयों की. दे ऑल्सो कॉल फोल्ड माउंटेन्स. इन्हें भी ऐसा पहाड़ कहा जाता है जबकि दो टकराव के द्वारा जब पहाड़ दो जब जमीन के टुकड़े एक साथ टकराए उसके द्वारा एक उभराव पैदा हुआ और ये पहाड़ बना. दे टच्ड. वो टकराए. एंड दे वेंट अप. और फिर ये ऊपर चले गए. दैट्स हाउ हिमालयस वर फॉर्मड. इस प्रकार से हिमालय बना. दे से अबाउट द स्विस एल्प्स एज़ वेल. और ये कहते हैं स्विस में स्विट्जरलैंड में पाए जाने वाले जो एल्प्स हैं उनके बारे में भी ऐसी कहा. क्वाइट टॉल. सॉरी. क्वाइट टॉल. बहुत ऊंचे हैं. एंड व्हेन वी कम टू जून वी लव टू गो टू दीस प्लेसेस. नहीं. और जब जून का महीना आता है हमें अच्छा लगता है ऐसे स्थानों पे जाएं. ऑफ कोर्स नॉट हिमालयस. बेशक हिमालय तो नहीं. या नोबडी वुड प्लान दैट हाइट. कोई भी योजना नहीं करेगा कि इतनी ऊंचाई पे जाए. दैट्स फुल ऑफ रिस्क यू नो. उसमें तो बहुत ज्यादा जोखिम है. यस यस. बट टॉल माउंटेन्स. लेकिन बड़े ऊंचे पहाड़. यस. द टॉलेस्ट इज एवरेस्ट. और सबसे ऊंचा तो एवरेस्ट है. 8848 meters का मतलब लगभग 8.8 kilometers. And to go above 8,000, they use, you know what, oxygen and all such kinds of things. और 8,000 से ऊपर जाने के लिए वो तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह चीजें होती हैं. Think of this. इसके बारे में सोचिए. 1500 miles. 1500 mile. Which converted into kilometers worked out as 2,300 or 2,400 kilometers. और अगर आप इसको किलोमीटर में तब्दील करें तो लगभग बन जाएगा 2,300-2,400 kilometers. How many Everests? कितने एवरेस्ट चाहिए होंगे इसके लिए? 300 Everests. 300 Everests चाहिए होंगे. टू मेक दिस वन माउंटेन. इस एक पहाड़ को बनाने के लिए. इमेजिन. कल्पना करिए. हाउ हाई इट वुड बी. कितना ऊंचा ये होगा. दैट वुड टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैंड मास. तो मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा लेगा इस पृथ्वी के जमीन का. इन अदर वर्ड्स द होल टोपोग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ दिस अर्थ वुड बी चेंज्ड. तो मैं कहूंगा कि
पूर्ण दया से पृथ्वी की जो भूगोलिक अवस्था है और जो इसका मानचित्र है पूर्ण दया से वो बदल जाएगा. The whole shape of this earth will change. पूरा का पूरा आकार इस पृथ्वी का बदल जाएगा. Lord of the earth will go in pushing up this mountain. बहुत ज्यादा जो पृथ्वी का हिस्सा है वो लगेगा कि इस पहाड़ को ऊपर घसका थे. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? But the prophet said there'll be no more sea. लेकिन नबी ने बताया कि आगे समंदर नहीं होगा. The Bible also says. बाइबल बताती है. In other words, there'll be plenty of room on this earth to do such a thing. तो मैं कहूँगा पृथ्वी बहुत ज़्यादा जगह होगी इस काम को करने के लिए. Let's see the city for a minute. आइए शहर को थोड़े समय के लिए देखें. When this pyramid-shaped mountain comes up. जब ये पिरामिड के आकार का पहाड़ आ जाएगा. Upon this mountain. और इस पहाड़ के ऊपर. The city will come and fit. जो शहर है वो आकर के फिट हो जाएगा. The city is coming from heaven. जो नगर है वो तो mountain is coming from below. और ये जो पहाड़ है ये नीचे से आ रहा है. Upon this mountain the city would fit. और इस पहाड़ के ऊपर ये नगर आके स्थित हो जाएगा. Follow the way the prophet is describing it. अनुकरण करिए उस तरीके के जिस प्रकार से नबी इसको समझा रहे हैं. There is a prepared mountain as a result of fire baptism. एक पहाड़ है जो कि तैयार किया गया है एक आग के बपतिस्मे की वजह से. A prepared mountain on this earth. एक तैयार किया हुआ पहाड़ इस पृथ्वी के ऊपर. Upon which the city will descend. जिसके ऊपर शहर आकर के टिक जाएगा. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप इसको? That city is coming on a prepared mountain. वो शहर एक तैयार किए हुए पहाड़ के ऊपर आ रहा है. That prepared mountain is the new earth. और वो तैयार किया हुआ पहाड़ जो है वो नई पृथ्वी है. A new body, एक नई देह, the body made new, जो देह जो कि नई की गई है, by the processes of justification, sanctification, baptism of Holy Ghost, धर्मी ठहरना, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा जो क्रिया है, it pushes a mountain, ये एक पहाड़ को धक्का देके ऊपर बनाता है, the stature of perfect man, सिद्ध मनुष्य का ढील ढोल, then upon that, फिर इसके ऊपर comes that city, वो आता है वो शहर, which fits on that mountain, जो कि आकर के उस इस पहाड़ पे स्थित हो जाता है. Are you understanding it, church? क्या समझ रहे हैं कलीसिया? That city is your theophany. वो शहर आपका थियोफनी है. Which fits on your body. जो कि आपकी देह पर आकर के फिट हो जाता है. Then you are not a natural body. फिर आप एक प्राकृतिक देह नहीं है. You are a redeemed body. आप एक छुड़ाई हुई देह हैं. You getting it? क्या बात समझ में आ रही है? A redeemed body. एक छुड़ाई भी दे. A redeemed earth. एक छुड़ाई भी पृथ्वी. Upon which the theophany comes. जिसके ऊपर थियोफनी आ जाती है. At the rapture. रैप्चर के समय पे. So what John is seeing here. तो जो यूहन्ना यहाँ देख रहा है. In foreshadow, in a little form, is your rapture. एक पूर्व छाया में एक छोटे रूप में ये आपका रैप्चर है. It's exactly a parallel. ये सटीकतापूर्ण एक समानांतर है. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप इसको? Amen. Amen. But you can understand. लेकिन आप समझ सकते हैं. To bring this mountain out, you need a baptism of fire. इस पहाड़ को बाहर निकालने के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए. Something which was already in the earth. कोई चीज जो कि पहले से पृथ्वी में थी. Was not shown till today. जो कि अब तक दिखाया नहीं गया. And not within a millennium also. और मिलेनियम में भी नहीं होगा. But when that fire baptism comes. लेकिन जब वो आग का बपतिस्मा आता है. This mountain pushes out. ये जो पहाड़ है ये धक्का दे के बाहर आ जाता है. What if something like that happens really? अब क्या हो कि अगर वास्तविकता में कोई चीज ऐसी हो जाए. When the whole church of the living God is baptized by that fire. कि जब जीवते खुदा की कलीसिया संपूर्ण तय से इस आग का बपतिस्मा प्राप्त कर ले. As Junior Jackson saw in the dream. जैसे जूनियर जैक्सन ने ख्वाब में देखा. That fire coming through the lattices. कि रोशनदानों से कैसे वो आग नीचे झरोकों से आ रहा है. The final baptism. जो अंतिम बपतिस्मा है. Of the whole bride. पूर्ण तब दुल्हन की. When every member of the bride is completely filled by the Holy Ghost. जब हर एक सदस्य दुल्हन का जो है वो पवित्र आत्मा से बिल्कुल भर जाए. When that happens, जब ये होगा, the pyramid mountain comes out, तो पिरामिड वाला पहाड़ उभर के आ जाएगा बाहर. And the theophany fits there, और theophany उस पे आके फिट हो जाएगा. What is inside comes outside, जो कुछ अंदर है वो बाहर निकल के आ जाएगा. And the outside just goes like this, और जो बाहरी हिस्सा है वो ऐसे नीचे कुमला जाएगा. You see, this mountain is right now in the earth. आप देखिए ये जो पहाड़ है ठीक इस समय पृथ्वी के भीतर है. But it will push out of the earth. लेकिन ये पृथ्वी से धक्का मार के बाहर आएगा. This pyramid which is builded in your life. ये पिरामिड जो कि बनाया गया है आपके जीवन में. Inside this earth. इस पृथ्वी के अंदर. Is going to come out. ये बाहर निकल के आएगा.
and the theophany will wear it. और थियोफनी इसको पहन लेगा. Cover it all. इसको पूर्ण तरह ढांक लेगा. This is the stature of perfect man. ये सिद्ध मनुष्य का डील है. And that is the clothes of that stature. और वो है वस्त्र उस डील डॉल का. When the stature comes, जब डील डॉल आएगा, it still needs a cloth. इसको अभी भी कपड़े की जरूरत है. Then the mountain is covered by that cloud. और तब God bless you, तब वो पहाड़ उस बादल से ढक जाएगा. It'll be covered by your theophany. आपकी थियोफनी से ये ढक जाएगा. That's when the rapture takes place. ये वो समय जब रैप्चर घटेगा. We will see more when we are studying this mountain. हम आगे इसको देखेंगे जब हमें पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे इस पहाड़ का. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. So now he has broken on this fact. तो अब वो इस सत्य पर पहुंच गए हैं. That due to these volcanics. कि इन ज्वालामुखियों की वजह से. And the earth exploding. और पृथ्वी के जो फटने की वजह से. It'll push up a pyramid like mountain. इसमें से धक्का दे करके एक पिरामिड जैसा पहाड़ निकल आएगा. See plenty of room to do it. और बहुत ज्यादा जगह होगी इसको करने के लिए. Because there's no more sea. क्योंकि अब समुद्र नहीं है. This whole thing will be changed. ये सारी चीज पूर्णतया बदल जाएगी. The whole surface will be changed. पूरी सतह बदल जाएगी. That's right. बात सही है. Your surface will be changed. आपकी सतह जो है ये बदल जाएगा. You got it? आपको समझ में आया? It'll push up a pyramid like mountain. ये धक्का देके पिरामिड के आकार के पहाड़ को लेके आएगा. This would exactly be with the word. और ये सटीकतापूर्ण वचन के साथ होगा. From where did you get this revelation, Brother Branham? By Branham, आपको ये मुकाशफा कहाँ से मिला? Of course, he's studying the Bible. बेशक वो बाइबल पढ़ रहे हैं. It have to be exactly be with the word. इसको सटीकतापूर्ण वचन के साथ मिलकर के होना होगा. If it does it, which it will. और अगर ऐसा है और जो होगा ऐसे. Isaiah 65 verse 25. यशाया 65 उसकी 25वीं आयत. Since we are studying this message. जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं इस संदेश का. To see some more things for us in future. ताकि कुछ और चीजें अपने लिए देखें हम भविष्य में. Isaiah 65, यशाया 65, verse 25, और उसकी 25वीं आयत. The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord. भेड़ी और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी रहेगा. मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना किसी को कोई हानि करेगा. यहोवा का यही वचन है. In other words, दूसरे शब्दों में, only change nature can be there on that mountain. केवल एक बदलाव स्वभाव ही उस पहाड़ पे हो सकता है. Understanding? Without a change nature, you cannot be on that mountain. बिना बदले हुए स्वभाव के आप उस पहाड़ पे हो नहीं सकते. God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. But it's called my mountain. लेकिन इसे कहा जाता है मेरा पहाड़. My holy mountain. मेरा पवित्र पहाड़. My holy mountain is that city. मेरा पवित्र पहाड़ है वो शहर. Which is coming in future. जो कि भविष्य में आ रहा है. You got it? क्या बात समझ में आई? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत. All my holy mountain. मेरा संपूर्ण पवित्र पहाड़. Remember, it's always a mountain. याद रखिए ये हमेशा से एक पहाड़ रहा है. If the walls were straight up and down, अगर दीवार उसकी सीधी सीधी ऊपर नीचे होती, the city could only be seen from the outside or from the inside. तो जो शहर था वो केवल अंदर से ही देखा जा सकता था. The throne can only be seen from the inside. तो सिंहासन केवल अंदर से ही देखा जा सकता था. But notice, it would be seen only from the inside. लेकिन ध्यान दीजिए ये केवल अंदर से ही देखा जा सकता है. What he's saying is, नबी क्या कहना चाह रहे हैं? If the city is in the shape of a cube, अगर शहर एक क्यूब के आकार का होगा, outside I cannot see the throne inside. जो बाहर का जो शख्स है, बाहरी शख्स, वो अंदर पाए जाने वाले सिंहासन को नहीं देख सकता. Because the walls are blocking it. क्योंकि दीवारें बाधा पैदा कर रही हैं. But it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं है. We'll see it and prove it from the scripture. हम इसको वचन से देखेंगे और साबित करेंगे. The throne could be seen long distance from the outside. बड़े लंबे दूर से आप बाहर से इस सिंहासन को देख सकते हैं. Which means it's not a cube. इसका अर्थ यह है कि यह क्यूब नहीं है. It's slanted like this. ये इस प्रकार से तिरछा है. And that's the top where the throne is. और ये शिखर है जहां पर सिंहासन है. Somebody outside can look at that. और कोई जो दूर है वो चोटी को देख सकता है. That's why he's making that point. इसलिए नबी इस बात को इस पॉइंट को बोल रहे हैं. But now we see the promise of Isaiah 4:5. लेकिन अब हम देखते हैं वायदे को यशाया 4:5 के. Let's turn to Isaiah.
आइए निकाले यशाया। देखिए भाई, सेमिनार समाप्त हुआ, 6 मीटिंगें हुई, उसमें भी बहुत कुछ है जो आपको मेडिटेट करनी है, बट संडे तो आ गया। यस सर, ये तो हो नहीं सकता कि हम प्रचार को रोक दें, प्रचार तो आगे बढ़ेगा। तो ये अब आपके सामने एडिशनल है जिसको आपको सोचना है, मेडिटेट करना है। बी केयरफुल, सतर्क हो जाएं। आइज़ाया चैप्टर 4, यशाया चौथा अध्याय, एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1, और हम पहली आयत से पढ़ेंगे। जस्ट रीड, आर यू इन अ हरी? कांग्रीगेशन सेज नो। क्या आप जल्दी में? सभा कहती है नहीं। नो, डोंट बी इन अ हरी, वी आर टू अ पर्टिकुलर थिंग नाउ। अब हम एक खास चीज पे जा रहे हैं। टू मच ऑफ आवर टाइम दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट हियर। और बहुत समय चाहिए थे इस बात को जो यहाँ पे पचारा जा रहा है समझने के लिए। बिकॉज़ आई वांट टू मेक दिस क्लियर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज स्पष्ट हो जाए। एंड देन व्हेन वी गेट बैक टू इट अगेन, और तब हम जब वापस इस पे आएंगे, आई विल शो यू देन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। व्हाट इन आवर नेक्स्ट स्टडी ऑन दिस एट अनदर टाइम, और एक अगले अध्ययन में अगली दफा इसके बारे में। When will you study it next? भाई ब्रैनम, आप अगला अध्ययन कब करेंगे? ये नेक्स्ट स्टडी कौन सी राइड में है? Getting it? क्या बात समझ में आ रही है? Sometime, if I have time, I'd like to show you the dimensions of the pyramid. और कभी अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपको, नबी क्या कह रहे हैं, मैं आपको परिमाण दिखाना चाहता हूं इस पिरामिड के। All the things which were sort of touched upon. सब चीजें जिसकी बस कोई केवल छो ही गया था, वेटिंग, इंतजार कर रहा है फॉर अ टाइम, एक समय का। प्रेज गॉड, खुदा का धन्यवाद हो। ओ प्रेज द लॉर्ड जीसस, ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। वॉच हियर, यहां ध्यान से देखिए, हाउ द वर्ड्स कैन नॉट फेल, कैसे वचन टल नहीं सकते। नाउ हैव वी गॉट, एवरीबॉडी गॉट दैट चैप्टर इन योर बाइबल्स? क्या हर एक ने अपने बाइबल में वो अध्याय को निकाल लिया? आइज़ाया चैप्टर 4, यशाया चौथा अध्याय। How the Holy Spirit breaks this chapter through the prophet. कैसे पवित्र आत्मा नबी के मार्फत इस अध्याय को खोलता है? Watch here how the words cannot fail. अब ध्यान से देखें, यहाँ पर वचन कभी टल नहीं सकते. Now watch here in Isaiah. अब ध्यान से देखें यहाँ पर यशायाह में. I got it wrote down here. मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है. If I can find it again, just a minute. अगर मुझे दोबारा ये मिल जाए, एक मिनट रुकिए. Isaiah 4:5. यशायाह 4:5. Now listen. अब ध्यान से सुनिए। He is talking of the coming of the Lord. अब यशाया जो है प्रभु की आमद के विषय में बात कर रहा है। He is talking of प्रभु की आमद के बारे में। Isaiah 4 is a seal. God bless you. यशाया 4 एक मोहर है। The seventh seal. यह सातवीं मोहर। Can you catch it? क्या इसको पकड़ पा रहे हैं आप? Please be careful. सतर्क हो जाएं, सावधान हो। How that woman would be so immoral? कितनी और कैसे होगा कि औरतें इतनी अनैतिक होंगी? Oh, he said. Oh, देखिए उसने कहा। Seven women. सात स्त्रियां। Listen, let's just read it. रुकिए, हम इसको पढ़ लेते हैं। Look here. देखिए यहाँ पर। And in that day. और उस समय। Seven women shall take a hold of one man. और उस समय सात स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी। Saying. We will eat our own bread. रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे। Wear our own apparel. और वस्त्र भी अपने ही पहनेंगी। Only let us be called by thy name to take away our reproach. केवल हम तेरे नाम के द्वारा कहलाएं ताकि हमारी नामधराई दूर हो जाए। Getting it? क्या बात समझ में आ रही है? We just want your name on us. हम चाहते हैं केवल आपका नाम हमारे पर हो। But we want to live our own lives. लेकिन हम अपने जीवनों को बिताना चाहेंगे। Now isn't that the condition of so many women today? अब क्या ये हालत नहीं है बहुत तेरी स्त्रियों की आज? If I say it in spiritual terms, अगर मैं आत्मिक मायनों में कहूँ, isn't that the condition of churches? क्या ये कलीसियाओं की हालत नहीं है? They are called by His name. वो उसके नाम के द्वारा कहलाई जाती है, मसीह कहलाई जाती है। They are called Christians. उन्हें मसीह कहा जाता है। But we want to wear our own apparel. लेकिन हम अपने ही कपड़े पहनना चाहेंगी। And we want to live our own lives. और अपने ही जीवन को बिताना चाहेंगी। Isn't that the condition of churches today? क्या ये स्थिति और हालत कलीसियाओं की नहीं है आज? Called Christians. कहा जाता है Christians. But they don't have the life of Christ. लेकिन मसीह का जीवन नहीं है। Isn't that right? क्या बात सही नहीं है? Then in the physical sense, फिर भौतिक मायने में, seven women taking hold of one man, सात स्त्रियां जो हैं वो एक मनुष्य को पकड़ रही हैं। Just give us your name. केवल अपना नाम हमें दे दे। But we will wear our own apparel. We'll do live our own lives. हम लेकिन अपने ही वस्त्रों को पहनेंगे और अपने ही जीवन बिताएंगे। Just give us your name. केवल अपने नाम को दे दो हमें। What is this? ये क्या है?
पॉलीगैमी, इसे कहते हैं बहुविवाह, मैरिज एंड डिवोर्स, विवाह और तलाक, द परवर्टेड कंडीशन द अर्थ इज इन टुडे, जो बिगड़ी हुई स्थिति है जिसमें पृथ्वी आज है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप इसको समझ सकते हैं, दैट्स द प्रोफेसी फॉर द लास्ट डेज, यह है नबूवत अंतिम दिनों के लिए, अंतिम दिनों में आदमी को कई अच्छी लगेंगी, ये एक आत्मा है, औरत को भी कुछ ऐसा ही होगा, ये आत्मा है, समझिए अंत के दिनों में ये ऐसा होगा, सेवन वेमेन शैल टेक होल्ड ऑफ वन मैन, सात स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ लेंगी, वी ईट आवर ओन ब्रेड, हम अपनी रोटी खाएंगे, यानी हम कमाते हैं, हाँ जी, हम आप पे निर्भर नहीं है, हाँ जी, हम कमा रही हैं और हमारे पास अपनी कमाई है जिससे हम अपनी रोटी खाएंगे, आत्मिक रूप से देखें, हम अपनी रोटी खाएंगे, हाँ जी, अपने तर्जुमे खाएंगे, हाँ जी, अपने अकीदे खाएंगे, क्या बात समझ में आ रही है, हम अपनी शिक्षाएं की जो किताब हमने बनाई हम उसे खाएंगे, हमें बस आप अपना नाम दे दीजिए, यह है कंडीशन दुनिया की एट द टाइम ऑफ सेकंड कमिंग, दूसरी आमद के समय, दैट्स द एंड टाइम, ब्रदर ब्रैनम सेज, भाई ब्रैनम कह रहे हैं यह अंत समय है, वेयर वी आर लिविंग नाउ, जहां पर हम रह रहे हैं, मैरिज डिवोर्स एंड प्रोस्टिट्यूशन एंड व्हाटएवर, विवाह तलाक और जिना, ये सब कुछ चीजें, दैट्स द कंडीशन ऑफ दिस अर्थ टुडे, ये हालत इस पृथ्वी की आज, इन दैट डे, उस खास दिन, When these seven women shall take hold of one man, जब ये सात स्त्रियां एक मनुष्य को पकड़ेंगी, listen brother, we need to read the Bible. आप देखिए भाई, हमें ये बाइबल पढ़ने की जरूरत है. In a same way, एक समान तरीके से, there is one bride out of seven ages. एक दुल्हन है सात कलीसिया कालों में से. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Not seven women. सात स्त्रियां नहीं है, बट सेवन एज इज मेकिंग वन ब्राइड, लेकिन सात कलीसिया काल एक दुल्हन बना रही हैं, होल्डिंग वन मैन, जो कि एक पुरुष को पकड़े हुए हैं, क्राइस्ट, जो कि मसीह है, एंड दे आर सेइंग टू हिम, और वे उससे कह रही हैं, नॉट जस्ट योर नेम, केवल आपका नाम ही नहीं, बट गिव अस समथिंग टू ईट, लेकिन हमें कुछ खाने को दे, एंड ही गेव देम अ बुक, और उसने उन्हें पुस्तक दिया, एंड दे एट फ्रॉम हिम, मसीह जो कि जीवन की रोटी है, ड्रिंकिंग हिज ब्लड, उसके लहू को पिया, कैन यू सी द डिफरेंस, क्या फर्क को देख पा रहे हैं, इन द लास्ट डेज, अंतिम दिनों में, वील नॉट वेयर आवर ओन अपैरल, हम, गॉड ब्लेस यू, हम अपने कपड़े नहीं पहनेंगे, बट द राइटसनेस यू गिव, लेकिन जो धार्मिकता आप देते हैं, विच ही ब्रॉट इन रेवलेशन चैप्टर 10, जो कि वो लेके आए प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में, इज दैट राइट, ये बात सही है, द राइटसनेस ऑफ द सेंट्स, संतों की धार्मिकता, विच इज नॉट योर ओन, जो कि आपकी अपनी नहीं है, बट ही गिव्स यू, लेकिन वो आपको देते हैं, एंड शी वेयर्स इट, और वो उसको पहनती है, हाउ डिफरेंट, कितना फर्क है ये, यू कैन सी द ऑपोजिट आल्सो, आप इसका विपरीत भी देख सकते हैं, बट व्हेन द वर्ल्ड इज इन दैट कंडीशन, लेकिन जब संसार इस हालत में है, when seven women are taking hold of one man, जब सात स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ रही हैं, you understood the other side also, आप दूसरी तरफ भी समझते हैं, when the earth comes in that condition, जब पृथ्वी इस परिस्थिति में आती है, in that day, उस दिन, shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, उस समय प्रभु की जो डाली है वो कोमल, खूबसूरत और महिमा युक्त होगी, द फ्रूट ऑफ द अर्थ शैल बी एक्सलेंट एंड कोमली, और जो पृथ्वी का जो फल होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा और बहुत ही सुंदर होगा, देम दैट एस्केप्ड ऑफ इज़राइल, फॉर देम दैट आर एस्केप्ड ऑफ इज़राइल, वो जो कि इज़राइल से बच के निकले, हाउ कैसे, दैट यू एस्केप्ड ऑल दैट डैमनेशन, वो तमाम जो जो ब्रह्म सिंह, them that escaped of Israel, who are these? नबी बता रहे हैं वो इज़राइल से जो बच के निकले वो कौन है? He's talking to you and me. वो आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं. How that you escaped all that damnation? आप जो हैं वो कैसे बच के निकले उस समाम बर्बादी से? Listen, brother. सुनिए मेरे भाई. This mountain is for some escaped ones. ये जो पहाड़ है कुछ बच के भाग निकले वो के लिए है. How you escaped that damnation? कैसे आप बच के निकल के आ गए उस अयाम में? Damnation, I said. उस आप बच के निकले उस बर्बादी से.
Damnation means judgment. उस न्याय से आप बच के निकल आए. You are not going to stand in that judgment. आप उस न्याय में नहीं खड़े होंगे. You have escaped it. आप उससे बच निकले. He that believeth in me, जो मुझ पे विश्वास करता है, shall pass from death unto life. मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर गया. And shall never come into condemnation. और कभी दोषारोपण में नहीं आएगा. Is that the scripture? क्या ये वचन की आयत है? There are you who have escaped that damnation. ये आप हैं जो कि उस न्याय से बच निकले. For them, उनके लिए, the branch of the Lord shall be beautiful. प्रभु की जो डाल है वो बहुत खूबसूरत होगी. The fruit of the earth shall be excellent and comely. पृथ्वी का जो फल होगा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर होगा. Are we talking about Mount Tree Top? Sorry. We are talking about Mount Tree Top. हम बातचीत कर रहे हैं उस पहाड़ के चोटी के ऊपर की. Mount Tree Top, tree top. हम पहाड़ पेड़ के चोटी वाले पहाड़ की बात कर रहे हैं. The top of the tree. उस हाँ yes brother. उस पेड़ के शिखर की बात कर रहे हैं. Where the fruit is glorious. जहाँ पर जो फल है वो बहुत ही महिमा युक्त है. Amen. What is the fruit? फल क्या है? It's the reproduction of the seed back again in flesh. ये बीज का प्रजनन दोबारा वापस आना है. Amen. उस शरीर में. Is that right? बात सही है. Fruit is not a modified male pollen. जो फल है वो बदला हुआ नर का पराग नहीं है. The fruit is a developed ovary. God bless you. जो फल है वो एक विकसित ovary है. Is that right? क्या बात सही है? If you studied a little about fruit. अगर आप फल के बारे में थोड़ा पढ़ें. It is the feminine part that builds the fruit. ये नारी वाला हिस्सा है जो कि विकसित करता है फल को. After fertilization. इस fertilization के बाद. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Ovary develops into fruit. और ओवरी फल में विकसित होती है. ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड. और ओव्यूल जो है वो बीज में विकसित होता है. दैट्स राइट. ये बात सही है. इन द प्लांट्स व्हिच वी हैव. पौधे जो हमारे पास होते हैं. इट्स द फेमिनिन पार्ट. ये नारी वाला हिस्सा है. दैट ब्रिंग्स फोर्थ द फ्रूट. जो कि फल को लेके आता है. अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई द लॉर्ड सेड. इसलिए प्रभु ने कहा. आई एम द वाइन. मैं ही दाखलता हूं. यू आर द ब्रांचेस. मैं दाखलता हूं. तुम डाली हो. दैट ब्रांच दैट रिमेन्स इन मी. वो डाली जो मुझ में बनी रहती है. एंड इन द वाइन द स्टेम एंड द ब्रांच इज इन रिलेशन एज हस्बैंड एंड वाइफ. और जो दाखलता होती है उसमें जो जो तना है और जो डाली है वो पति पत्नी के रिलेशन में होती है. इफ यू सीन द मैसेज द प्रॉफिट एक्सप्लेन दैट. अगर आपने संदेश में देखा नबी ने इस बात को समझाया. एंड दोज ब्रांचेस विल स्टैंड फॉर द ब्राइड. और वो डालियां जो कि दुल्हन के लिए हैं. आर टू बेयर मच फ्रूट. उन्हें बहुत आयत से फलवंत होना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या समझ रहे हैं आप? व्हाट इज फ्रूट? फल क्या है? द लाइफ ऑफ द सीड इन फ्लैश. जो बीज का जीवन है देहधारी रूप में. It is by the fruit you recognize which tree it is. और फल के द्वारा आप पहचानते हैं कौन सा वृक्ष है. Not by the stem or the leaves. पत्तों के द्वारा और तने के द्वारा नहीं. That's only part recognition. ये तो केवल अधूरी पहचान है. That's what the Lord said. और ये समय प्रभु ने कहा. By their fruits you shall know them. उनके फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लोगे. The recognition of the tree and the kind of tree is by its fruit. और किस किस्म का ये पेड़ है और किस किस्म का ये क्या पेड़ है ये उसके फल से पहचाना जाता है. Are you understanding it, brother? क्या समझ रहे मेरे भाई? The fruit shall be glorious. और जो फल है वो महिमा युक्त होगा. Why? क्यों? The son of man reproduced again. मनुष्य का पुत्र दोबारा से पैदा हुआ. In the bride form. दुल्हन के रूप में. The bride reproducing Christ. दुल्हन मसीह को पैदा करते हुए. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? In this age. इस युग में. When On the other side, दूसरी तरफ, seven women taking hold of one man. सात औरतें जो हैं वो एक आदमी को पकड़ रही हैं. But there is a genuine woman. लेकिन एक फिर एक वास्तविक स्त्री भी है. Pregnated by a man Christ. जो कि मनुष्य मसीह के द्वारा प्रेग्नेट हुई है. Bearing the fruit. फलों को पैदा कर रही है. The fruit of the earth. पृथ्वी के फलों को. Understanding the spiritual side? क्या आप आत्मिक ओर समझ रहे हैं? How that you escaped all that damnation? कैसे आप उन तमाम न्याय से बच निकले? See, and it shall come to pass. और फिर ऐसा होगा. I'm reading the scriptures. मैं वचन पढ़ रहा हूँ. That he that is left in Zion, कि जो सिय्योन में रह जाएगा. And he that's a remnant in Jerusalem, और जो यरूशलेम में बचा हुआ शेष है. Shall, let's see, in Jerusalem shall be called holy. और जो यरूशलेम में होगा उसको कहा जाएगा पवित्र. इवन एवरीवन दैट्स रिटन अमंग द लिविंग इन यरूशलेम. और जो जीवतों में जो भी पाया जाएगा यरूशलेम में. दैट्स सम नेम्स रिटन. कुछ नाम है लिखे गए हैं. लिविंग इन यरूशलेम. जो कि यरूशलेम में रह रहे हैं.
Are you sending it? क्या समझ में आ रही है? And they are the ones which are left in Zion. और ये हैं वो जो कि सायोन में बचे रहे. That's I'm reading from the message actually. मैं संदेश से वास्तविकता में पढ़ रहा हूँ. When the Lord shall have washed away the filth of the daughter of Zion. जब खुदावंद सायोन की बेटी के गंद को साफ कर देंगे. I'm reading from the message. मैं संदेश से पढ़ रहा हूँ. The Bible says daughters. बाइबल में लिखा है बेटियाँ. I'm reading from the message. मैं संदेश से पढ़ रहा हूँ. When the Lord shall have washed away the filth of the daughter of Zion. जब खुदावंद सायोन की बेटी के गंद को साफ कर देंगे. Remember that's always the bride. याद रखिए ये हमेशा दुल्हन है. Her filth shall be washed away. उसका गंद धो दिया जाएगा. And shall have purified the blood of Jerusalem. और यरूशलम के खून को साफ कर दिया जाएगा. That's the remnant of the Jews plus the bride. See, ये यहूदियों के अवशेष बचे हुए शेष हैं और जमा दुल्हन. 1,44,000 and the bride. 1,44,000 और दुल्हन. God has purified their blood. खुदावंद ने उनके खून को शुद्ध कर दिया. And the midst thereof with the spirit of judgment, fire. और उनके अंदर पाए जाने वाली आत्मा को न्याय के द्वारा जो कि आग है उसके द्वारा शुद्ध कर दिया. इंग्लिश बाइबल सेज एंड द स्पिरिट ऑफ बर्निंग. और अंग्रेजी बाइबल लिखा है जलने वाली आत्मा के द्वारा. सो इट्स बाय दैट बर्निंग. तो ये जलने के द्वारा है. दैट ही शैल पर्ज द फिल्थ ऑफ जेरूसलम. कि वो यरूशलम के गंद को साफ कर देंगे. यू सी इवन टुडे इन आवर लाइव्स. आप देखें यहां तक कि आज भी हमारे जीवन में देयर इज सम फिल्थ हियर एंड देयर. यहां वहां आप पाएंगे कुछ गंद है. बट वन फाइन डे इज कमिंग. लेकिन एक खास दिन आ रहा है. सच अ फायर. ऐसी आग. इट जस्ट बर्न अवे एवरी फिल्थ फ्रॉम योर लाइव्स. वो आपके जीवन से हर किस्म की गंद को चला देगा, भस्म कर देगा. आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं उसके लिए? Amen and amen. Amen or amen. You say or you don't say amen. I prophesy it on you. अगर आप कहें ना कहें amen, मैं आपके ऊपर नबूवत करता हूँ. You catch it or don't catch it. आप पकड़े या ना पकड़े. But you are the earth. लेकिन आप वो पृथ्वी हैं. And I need to speak to you. और जरूर मैं आपके ऊपर बोलूँ. That's why I'm speaking this word for you. इसलिए मैं इस वचन को आपके लिए बोल रहा हूँ. I'm uttering for you. मैं आपके लिए उच्चारित कर रहा हूँ. It's an utterance. ये एक उच्चारण है. For this bride. इस दुल्हन के लिए. Because this is to come to pass. क्योंकि ये होने वाला है. You receive the Holy Ghost in your soul, amen. आपने अपने प्राण में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया. But a fire to cleanse the outside. लेकिन आग ताकि बाहरी को शुद्ध कर दे. And be changed. और ताकि वो बदल जाए. For a rapture. एक रैप्चर के लिए. I'm not worrying you are understanding it or not. मैं चिंता नहीं कर रहा आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे. That doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. I speak it to you. मैं आपको बोल रहा हूँ केवल. God bless speaking you. To an earth. मैं एक पृथ्वी के लिए बोल रहा हूँ. I think you are catching it, brother. मैं आशा करता हूँ पकड़ रहे मेरे भाई. समझे ना समझे, तीन चार पैराग्राफ निकल गए आपके ऊपर बोल दिए गए. Amen. समझ में आ रही है आपके? Amen. Listen to it carefully. ध्यान से इसको सुनिए. But he's saying. लेकिन वो कह रहे हैं. He'll purge the filth of the daughter of Zion. वो सायोन की बेटी के गंद को साफ कर देंगे. And shall purify the blood of Jerusalem. और यरूशलम के खून को शुद्ध कर देंगे. Listen, brother. सुनिए मेरे भाई. He'll purify the blood. वो खून को साफ कर देंगे. Even in physical sense, if you are a member of this bride. यहाँ तक कि भौतिक सेंस में मैं मायने में कहूँ कि अगर आप इस दुल्हन के सदस्य हैं. Many diseases are from the blood. कई बीमारियां खून से होती हैं. Allergies and diabetes, all such kinds of things. But Branham said, wrong, not wrong, impure blood. Diabetes, allergies, और मैं ब्रदर ब्रैनम बताइए सब कुछ कारण होती हैं खून के अशुद्ध होने की वजह से. Don't just think of anemia. केवल एनीमिया के बारे में मत सोचिए. There are many diseases that originate from blood. कई बीमारियां हैं जिनका जो उरूज होता है, जिनका जो आगाज होता है, वो खून से होता है. That's right. बात सही है. And here is a promise. और यहाँ पर एक वादा है. God bless you. He will purify the blood of this bride. वो इस दुल्हन के खून को शुद्ध कर देंगे. Now even in a physical sense. अब एक शारीरिक रूप में भी. If you can claim this for your blood. अगर इसको आप अपने खून के लिए इस पे दावा भरें. Lord, I know you'll do it for Jerusalem. प्रभु मैं जानता हूँ आप यरूशलम के लिए इस काम करेंगे. But purify my blood. लेकिन मेरे खून को आप शुद्ध कर दें. Please, Lord. कृपया करके प्रभु. A prophet spoke it. नबी ने इसको बोला. Let it be applied in my life. ऐसा हो कि मेरे जीवन में लग जाए बात.
And let my blood be purified. और ऐसा हो कि मेरा खून साफ हो जाए. Sit down, please. कृपया बैठ जाइए. Then what is dialysis? तो फिर dialysis क्या है? Purification of blood. खून का ही शुद्धिकरण. The blood is purified and sent back. खून साफ किया जाता है, वापस भेजा जाता है. What if you can have a purified blood always? अब ऐसा ऐसी स्थिति बताएं जिसमें कि आपका खून पूरे समय साफ ही रहे. Can he do it now? क्या वो इस समय कर सकते हैं? Oh yes, you can claim your healing. जी हाँ, आप अपने चंगाई पे दावा भर सकते हैं. How many times brother Branham said in the meeting? कितनी दफा भाई ब्रैनम ने मीटिंग्स में कहा? You sister, you brother, that's diabetes because of impure blood. आप भाई, आप बहन, आपको डायबिटीज शुगर की बीमारी है और ये इसलिए क्योंकि आपका खून अशुद्ध है. But can you claim your healing? क्या आप अपने चंगाई पे दावा भर सकते हैं? What happened? क्या हुआ? The blood was pured. खून साफ कर दिया गया. That's right, that's right. सही है, ये बात सही है. So the blood of Jerusalem shall be purified. तो यरूशलेम का जो खून है वो साफ कर दिया जाएगा. Then what about allergies? तो फिर एलर्जी के बारे में क्या कहेंगे? Can it have a cure? तो क्या इसका एक एक समाधान हो, एक क्योर हो सकता है? Right now. ठीक इसी समय. Because you are a part of that Jerusalem. God bless you. क्योंकि आप उस यरूशलेम का हिस्सा हैं. No allergies in Jerusalem. कोई एलर्जी यरूशलेम में नहीं. Claim it for your life, brother. मेरे भाई, अपने जीवन के लिए इस पे दावा भरे. Claim it for your life, sister. बहन, दावा भरे अपनी जीवन के लिए. Lord, you promised purification of blood. प्रभु, आपने वादा किया है लहू के शुद्धिकरण का. By the way, on every Sunday when we take part from the cup, we are drinking His blood as a symbol. आप देखिए, जैसे हम हर रविवार प्रभु भोज में शामिल होते हैं और हम उस प्याले में जो पीते हैं, हम उसके लहू को पी रहे हैं. In a symbol. एक चिन्ह के तौर पे. And we are taking that symbol, symbolic रूप. We are taking that blood in us. और अगर चिन्ह के रूप में हम उस खून को अपने अंदर ले रहे हैं. We are making a symbol. It doesn't mean that we are just, it's a story. Just a story. No, really His blood comes in us. तो जब चिन्ह के रूप में ले रहे हो तो ये केवल एक कहानी नहीं है, वास्तविकता में उसका खून हमारे अंदर जा रहा है. Now close your eyes and then go home and now feel in your heart that blood has gone here. Now that blood is mixing. It's mixing with your blood. It's purifying your blood. You have to go do it. और जब आप घर में जाए इस प्रभु भोज के बाद, अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि मैंने उसके खून को अपने अंदर लिया है. अब वो जा रहा है, मेरे रक्त में मिल रहा है और मेरे मेरे नसों में बह रहा है और मुझे शुद्ध कर रहा है. इट्स प्योरिफाइंग मी. ये मुझे शुद्ध कर रहा है. Then a revelation will break forth. तब एक मुकाशफा आएगा. And he say, "Yes, I did it." और वो कहेगा, "हाँ, ये मैंने किया है." You're healed. तुम चंगे हो गए हो. No need of anti-allergics. Anti-allergic की कोई जरूरत नहीं दवाइयों की. No need of all those things which are going on in the world today. और उन तमाम चीजों की जो संसार में आज चल रही हैं उनकी कोई जरूरत नहीं. Cured, finished. शुद्ध हो गए, साफ हो गए, चंगे हो गए हमेशा के लिए. Did you notice? क्या आपने ध्यान दिया? I too am a witness. मैं भी, मेरे पास भी गवाही है. I'll be 53 this year, yes. इस साल मैं 53 साल का हो जाऊंगा. 30 years back. 30 साल पहले. A little more than that. मैं कहूंगा उससे भी थोड़ा पहले. I can say it very clearly. मैं स्पष्ट रीति से कह सकता हूं. We never saw so many allergies. हमने इतना ज्यादा एलर्जीज को कभी नहीं देखा था. Never. कभी नहीं. I worked in the hospital. मैंने अस्पताल में काम किया. Yes, allergies were there, but not to this extent. हाँ, एलर्जियां तो थी लेकिन इस हद तक के नहीं थी. Our sisters who have worked as in the hospital, they know it. हमारी बहनें जिन्होंने अस्पतालों में काम किया उस बात को जानती हैं. We had allergies, we knew it. It was a chapter we were taught, but not so much. हाँ, एक अध्याय के रूप में हमें एलर्जी पढ़ाया तो गया था लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं पढ़ाया गया था. But as 30 years have gone, लेकिन 30 साल के बीतने के बाद, I literally seen allergies springing up like this. मैं देख रहा हूं कैसे allergies ऐसे फूट के निकल रही हैं. Why? क्यों? Lifestyle, जीवन के जो तरीका रहने का. Pollution, प्रदूषण. Food, भोजन. Weakness in the body, देह में कमजोरी. What is arthritis? Arthritis क्या है? Rheumatoid especially, खास तौर से गठिया बाई जो कि rheumatoid होती है. Your own immunity fighting against you. आपकी अपनी जो प्रति सुरक्षा है वो आपके ही विरोध में लड़ रही हो. Your own immune response fighting your own body. आपकी प्रति सुरक्षा आपके ही शरीर से लड़ते हुए. What is SLE? SLE क्या है? DLE brother, Reggie Charan, he expired because of that disease.
डीएलई भाई भाई अजीज भाई जो रेजी चरण है वो एसएलई की बीमारी से मरे इन एम्स एम्स में आई नो इट मैं जानता हूं व्हाट वाज इट अ रिजल्ट ऑफ ये किसका परिणाम था मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग जो किए गए अस्पतालों में बाय पद्म भूषण ऐसे डॉक्टरों के द्वारा जो जिनको पद्म भूषण मिला हुआ था एंड द डॉक्टर टोल्ड सिस्टर मॉली You can file a case against me. We will not do it, brother. और उस डॉक्टर ने आकर कहा सिस्टर मॉली से जो कि भाई रेजी की पत्नी थी कि आप मेरे विरोध में केस फाइल कर सकते हो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे Because they were trying to cure his arthritis. क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे उनके जोड़ों की प्रॉब्लम को ठीक करने की A new disease broke. और उसके चक्कर में एक नई बीमारी आ गई That's right. बात सही है Vasculitis. Vasculitis. Pains in the vessels. Blood नसों vessels. में खून की नसों में दर्द It's an immune disorder. और ये एक प्रतिसुरक्षा वाली बीमारी है Then the one who's made the chief of corona in the United States and the whole world, Anthony Fauci, he was the head immunologist who wrote the section on immunology in Harrison's test book of medicine, yes? और जो कोरोना का जो हेड बनाया गया था एंथनी फौचाई अमेरिका में उसने इम्यूनोलॉजी के ऊपर एक किताब है जो कि मेडिसिन की हैरिसन की किताब है उसमें पूरा का पूरा अध्याय इसके ऊपर लिखा है He is one of the head immunologists. और इम्यूनोलॉजिस्ट में वो सबसे बड़ा हेड है And then we start understanding how many allergies are there on this earth. तब हम इस बात को समझने में जानते हैं कि कितनी ज्यादा allergies पाई जाती हैं इस पृथ्वी के ऊपर और आप हर थोड़ी देर यूं करते रहियो यूं ये भी एक एलर्जी का सिम्टम है Yes, brother. नाक बार बार रगड़ना समझ मारी है थोड़ा यूं कर लेना अरे यार एक चेंट सी मचना ये सब एलर्जी है सब एलर्जी है सच बता रहा हूं आपको पहले नहीं होती थी अब होने लगी हैं बट लेकिन वी हैव अ क्योर हमारे पास एक चंगाई है क्योर है ब्लड ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह का खून बाय फेथ यू कैन टेक इट विश्वास से आप इसको ले सकते हैं अब इसको करना कैसे है बहुत साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ फिर आपको याद है मैं एक महीना बीमार रहा पुराने लोग जानते हैं और एक दिन कई इंजेक्शन ट्राई कर चुके थे मेरा बुखार जा नहीं रहा तो मेरे फादर भाईलाल जो भूतपूर्व पास्टर भी थे उन्होंने मुझसे कहा तुम जाओ कमरे में yes, brother. चटाई बिछाओ और अपनी दुआ खुद करो और उसी बुखार में शाम को चढ़ता था बुखार मैं उस बुखार में गया कमरे में डी साथ हमारा घर था चटाई बिछाई सिर झुकाया और फिर मैंने विजुलाइज किया कैसे मैं क्रूज के पास खड़ा हूं और बस वहीं से खुदा ने टेक ओवर कर लिया वो एक दृश्य में बदल गया कि मैं प्रभु को पिटते हुए देख रहा हूं मैं एक पिंजरे में हूं और शैतान के हाथ में एक इंजेक्शन इसमें लिखा है फीवर यूं वो मुझ में घुसने की कोशिश कर रहा है और मैं देख रहा हूं कैसे वो बूंद लहू की आई और मुझ पे पिंजरे में घुस गिरी और उसके हाथ से मैंने देखा लिटरली वो इंजेक्शन छटक के गिरा और पिंजरा खुला मैं बाहर आ गया मैं आजाद हूं Amen. ऐसे करके मैंने देखा Amen. मुझे समझ में आ गया मैं ठीक हो गया Amen. अगले दिन से कोई बुखार नहीं जो कोई एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही थी यूं चीज साफ हो गई Amen. मरने के तरीके हजार जीने का तरीका एक और वो है प्रभु यीशु मसीह Amen. Amen. I've seen it. मैंने इसको देखा इसके लिए क्या करना है आपको अब आप जाइए घर में कमरे में बंद करिए या जहां पर भी आप बैठे हैं किसी कैलाश पर्वत की जरूरत नहीं घर भी आप कर सकते हैं जमीन पे घुटना पे बल आइए माथा जमीन पे लगाइए विचारों में महसूस करें उस लहू को कि अब वो अंदर आपके आया जैसे आज आप भागीदार होंगे मेज में आप इस रोटी और प्याले में जो कि मसीह के लहू को दर्शाता है घर जाके सोचना ये प्याला मैंने क्या पिया अब वो वाइन अंदर गई जो मसीह के लहू को दर्शा रही है ऐसी बताने के लिए कि लहू भी अंदर गया ये वचन ये जीवन क्या है मसीह का लहू Amen. अब महसूस करें उस लहू को अपने जीवन में खून में जुड़ मिक्स करके अब वो खून को साफ कर रहा है Amen. महसूस करें कि वो साफ हो रहा है थोड़े समय के बाद आप नोटिस करेंगे वो एक हकीकत में तब्दील होगा Amen. और फिर आपके जीवन में क्योर होने शुरू हो जाएंगे Amen. आपकी समझ मारी है Amen. जब गोली खाते हैं क्या गोली खून में नहीं मिलती Amen.
ऐसी क्या ये वचन खून में नहीं yes, मिलता brother, yes. महसूस करें Amen. इसको खैर महसूस करना होगा आत्मा में होते हुए कि आपके अंदर ये गया और आप पाएंगे कि ऐसा ही हो जाएगा इट विल बी ऐसे ही हो जाएगा इट हैज कम टू सच एन एक्सटेंट ये हद तक पहुंच गई बात यू कैन क्योर योर सेल्फ आप अपने आप को चंगा कर सकते हो बाय दिस रेवल्यूशन इस मुकाशवे के वजह से यस यस वेरी स्ट्रॉन्ग ये बहुत ही बलवान चीज है दैट फिल्थ विल बी प्यूरिफाइड जो गंद है वो शुद्ध कर दिया जाएगा एंड प्यूरिफाइड द ब्लड ऑफ जेरूसलम और यरूशलम का खून शुद्ध कर दिया जाएगा इन द मिडस्ट थereof विद द स्पिरिट ऑफ जजमेंट फायर और उसके बीच में आग के बपतिस्मे के द्वारा यू गेटिंग इट क्या बात समझ में आ रही है बाय दैट स्पिरिट ऑफ बर्निंग उस आत्मा जलो ज्वलनशील आत्मा के द्वारा ही विल पर्ज दैट ब्लड वो उस लहू को शुद्ध कर देंगे सो इफ ही डज इट इन अ बिग वे तो अगर इसको एक बड़े रूप में वो करेंगे कांट यू डू इट इन अ स्मॉल वे इन योर लाइफ राइट नाउ तो क्या इसी समय छोटे रूप में आपके जीवन में नहीं कर सकते आमेन आमेन एंड यू कैन क्लेम इट फॉर योर लाइफ और इस पे आप दावा भर सकते हैं अपने जीवन के लिए Now he explains it further. अब वो आगे समझाते हैं. That's always God's judgment. ये हमेशा से खुदा का न्याय है. When he makes his final judgment. जब वो अपना अंतिम न्याय करते हैं. Calls you. आपको बुलाते हैं. Justifies you. आपको धर्मी ठहराते हैं. And brings you to redemption. और आपको छुटकारे पे लाते हैं. Then his judgment breaks forth upon you. तब उसका न्याय आप पर आता है. And the Holy Ghost and fire. Cleanses away the sin. और पवित्र आत्मा और आग गुनाह को साफ कर देता है. Then you are His. तब आप उसके बन जाते हैं. Is that right? ये बात सही है? He's explaining what's happened in your life. वो समझा रहे कि आपके जीवन में क्या हुआ. Justification. धर्मी ठहरना. Sanctification. पवित्रीकरण. Then the baptism of Holy Ghost. फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. What is that baptism of Holy Ghost? ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? His judgment breaks forth upon you. उसका न्याय आपके ऊपर आता है. And that fire cleanses away the sin. और वो आग जो है वो गुनाह को साफ कर देता है. Then you are His. तब आप उसके हो जाते हैं. Amen. Amen. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Amen. Amen. Just one minute, please. Same thing He does to the earth. और वही चीज वो पृथ्वी के साथ करते हैं. When he purges it with fire, जब वो उसको आग के मार्फत शुद्ध करते हैं, and by the spirit of burning, और जलने वाली आत्मा के द्वारा. Now look, listen. Are you ready? अब देखिए, सुनिए कि आप तैयार हैं. We are reading the next verse. हम अगली आयत पढ़ रहे हैं. And the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion and upon her assembly a cloud of smoke by day and a shining of fire by night. For upon all the glory shall be a defense. तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा. Listen how. आप देखिए कैसे. Every dwelling place of that mountain. उस पहाड़ पे हर एक जो निवास स्थान है. Will be covered by a cloud by day. दिन में वो एक बादल के द्वारा ढका जाएगा. And by night by a fire. और रात को आग के द्वारा. For upon all the glory shall be a defense. और तमाम महिमा के ऊपर ये मंडप तमाम वैभव के ऊपर मंडप छाया रहेगा. Are you listening, please? क्या सुन रहे हैं आप? Very interesting. बड़ा ही दिलचस्प है. This glory shall cover the whole mountain. ये महिमा पूरे पहाड़ को ढांक लेगा. Brother Branham illustrates at the blackboard. भाई ब्रैनम इसको बना के दिखाते हैं ब्लैकबोर्ड पे. The Lord in that day upon the top of it. प्रभु उस दिन उसकी चोटी के ऊपर. Shall create a fire of light. एक आग की रोशनी को बनाएंगे. To burn upon the day. ताकि दिन में वो रोशनी दे. And it goes ahead and says, और आगे बढ़ के वो कहता है, it'll be a shelter, ये एक छाया होगी, a rest, एक विश्राम होगा, a refuge, एक निवास स्थान होगा, एक notice making exactly the speaking of the Bible exactly. आप ध्यान से देखिए बाइबल में जो लिखा है उसको सटीकता पूर्ण बनाते हैं. The walls were straight up and down, you couldn't see it. अगर दीवार सीधी सीधी होती तो आप देख नहीं सकते थे. इस आग को फिर देख नहीं सकते थे. Yes.
It has to lean. जरूरी है कि ये दीवार सीधी ना हो, तिरछी हो. All my holy mountains. मेरे तमाम पवित्र पहाड़. He'll create this light upon this mountain. वो इस रोशनी को इस पहाड़ के ऊपर सिरजेंगे. And it shall be for a defense. और ये एक सुरक्षा के लिए होगी. When the light strikes this mountain, जब रोशनी इस पहाड़ पे आएगी, it'll bathe the whole mountain. तो उस रोशनी से ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है, वो तर हो जाएगा, वो ढक जाएगा. That light is a defense around this mountain. God bless you. वो रोशनी इस पहाड़ की चारों ओर सुरक्षा है. एंड द नाइट इट्स द फायर. और रात में आग है. इन द डे इट विल बी स्मोक. और दिन में वो धुआं होगा. एवरी ड्वेलिंग प्लेस सराउंडेड बाय दैट स्मोक. हर एक जो निवास रहने की जगह है, वो उस धुएं से घिरा होगा. दैट स्मोक इज एक्चुअली अ क्लाउड. वो धुआं वास्तविकता में बादल है. यू नो द मैसेज. आप संदेश जानते हैं. एवरी ड्वेलिंग प्लेस सराउंडेड बाय अ क्लाउड. हर एक रहने वाली जो जगह है, वो इस धुएं से, इस बादल से घिरी हुई होगी. व्हाट इज दैट? ये क्या है? योर थियोफनी. आपकी थियोफनी कीप्स यू सराउंडेड. और ये आपको चारों ओर से ढाके हुए है. कैन यू अंडरस्टैंड द मैसेज? क्या संदेश पकड़ पा रहे हैं? योर थियोफनी कवरिंग यू. आपकी थियोफनी आपको ढाके हुए. दैट्स द सिटी. ये वो शहर. विच विल बी बेथ्ड विद द लाइट. जो कि रोशनी से बिल्कुल तरोताजा होगी. यहां से हमें एक झलक मिलती है. योर थियोफनी एमिट्स लाइट. यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि आपकी थियोफनी से रोशनी निकलती है. योर थियोफनी is like a light pocket. आपकी थियोफनी रोशनी की पॉकेट की तरह है. Which will come upon you. जो आप पे आएगी. Now you can very easily understand what the prophet said in Christ is revealing his own word. अब आप भली भांति समझेंगे नबी ने क्या कहा. मसीह अपने वचन में प्रमाणित होते, प्रकट होते हैं उस वाले संदेश. What are these mystic lights? ये भेदपूर्ण रोशनियां क्या है? Shines on a man, he disappears. Shines on a man, he disappears. एक आदमी को चमकती वो गायब हो जाता है. He said, "It's going to pick you up one of these days." उन्होंने कहा ये रोशनी आकर के इन्हीं किन्हीं दिनों में आपको उठा के ले जाएगी. That's your theophany. ये आपकी थियोफनी है. Your theophany emits light. आपकी थियोफनी में से रोशनी निकलती है. Oh ho! Aha! If that theophany comes here, अगर वो थियोफनी यहाँ जाए, it'll bleep, bleep, bleep. तो उसमें से ऐसे bleep, bleep, bleep रोशनी निकलेगी. It's a light. ये रोशनी है. There's a light on every dwelling place of that mountain. उस पहाड़ पे हर एक निवास स्थान के ऊपर रोशनी है. Just don't think of that mountain. We are talking about your body. केवल इस पहाड़ के बारे में मत देखिए. हम बात कर रहे हैं आपकी देह के बारे में. That city light is everywhere. वो जो शहर है उसमें रोशनी हर जगह है. And that city is parallel of your theophany. और वो शहर, वो नगर आपकी थियोफनी के समानांतर है. Then the lamb is the light of that city. और फिर मेमना उस शहर की रोशनी है. He is sitting on the top. वो चोटी में बैठा है. Where? कहां पे? Oh God bless you. Your brain. आपके दिमाग पे. Lamb sits here. मेमना यहां बैठता है. Sits here. यहां बैठता है. God bless you, brother. And the light that's here goes through the whole body. और जो रोशनी यहां है पूरी देह में जाती है. Your theophany. आपकी थियोफनी में. अब ये बड़ी अजीब बात है. दिखने के लिए बिल्कुल ऐसी दिखने लगती है जैसे ऐसी है. और अगर अपने असली रूप में आ जाए, it shines very brightly. बहुत चमकदार रोशनी की तरह चमकती है. If you read the account of Mount of Transfiguration, अगर आप रूपांतरण वाले पहाड़ के वृत्तांत को पढ़ें, his clothes shined brightly. उसके वस्त्र उज्जवल हो गए. That was Christ in his glorified state. ये मसीह थे अपनी महिमा युक्त अवस्था में. He was shining brightly. वो बहुत ही उज्जवल चमक रहे थे. Are you getting it? क्या समझ रहे हैं आप? There is light in your theophany. आपकी थियोफनी में रोशनी है. Yeah. जी हाँ. So many things here in the message. इतनी सारी चीजें हैं संदेश में. And where's the light coming from the top? और रोशनी कहां से आ रही है? चोटी से. God will create a fire of light to burn upon the day. खुदावन रोशनी को सिरजेंगे ताकि
उस आग की रोशनी को सिरजेंगे ताकि वो दिन में चमके. That's right. And it goes ahead and says it'll be a shelter. और वो आगे बढ़ के कहता है कि ये एक एक रहने का स्थान होगा, एक छाया होगी. A rest, a refuge. एक विश्राम, एक एक रहने का स्थान. Notice making exactly the speaking of the Bible. और ध्यान से देखिए, सटीकतापूर्ण जो बाइबल में लिखा है उसी को बता रहा है. Trying to explain that it'll be like a mountain. और बताया कि ये एक पहाड़ के मानिंद होगा. He'll create this light upon this mountain. वो इस रोशनी को इस पहाड़ के ऊपर सिरजेगा. And it shall be for a defense. और ये एक सुरक्षा के लिए होगा. Oh, we sing that song. Oh, that city on Mount Zion. Oh, हम उस गीत को गाते हैं, वो शहर सय्योन पर्वत के ऊपर. As a pilgrim, yet I love it still. और मुसाफिर होने के नाते फिर भी हम उससे प्रेम करते हैं. Now, through those ages, अब उन युगों में से होते हुए, when I reach that city on the hill, see, अब जब मैं उस पहाड़ की वाली शहर पे पहुंचूंगा, notice, ध्यान दीजिए, Mount Sinai, he's drawing a parallel now. अब नबी जो है एक समानांतर बना रहे हैं. Mount Sinai was where God descended on top of it. सीने पर्वत वो जगह थी जहां खुदावंद उसकी चोटी पर उतरे. When he spoke to Israel in a pillar of fire. जब आग के सतून में उसे होते हुए उन्होंने इज़राइल से बातचीत करी. He descended on top of a mountain. वो पहाड़ की चोटी पर उतर के आए. Mount Sinai. सीने पर्वत. What was happening to that mountain? उस पहाड़ पे क्या हो रहा था? It was burning with fire. वो आग से जल रहा था. पिक्चर बनाइए दिमाग में. यस ब्रदर. ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण के पहाड़ पे, व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया, दिस इज माय बिलव्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हियर ही हिम, अब इसकी सुनो, ही डिसेंडेड इन अ पिलर ऑफ लाइट, वो एक आग के सतून में नीचे उतर के आए, रोशनी के सतून में, रोशनी के सतून में नीचे उतर के आए, एंड शाइनिंग ब्राइटनेस, और उज्जवल चमक गए. Upon top of the mountain, पहाड़ की चोटी के ऊपर, before Peter, James, and John, पत्रस, याकूब, यहुन्ना के सामने, he's talking about a mountain. वो बात कर रहे हैं एक पहाड़ की. Before Peter, James, and John, पत्रस, याकूब, यहुन्ना के सामने, he's on the top of the mountain. वो पहाड़ की चोटी पर है. Who is he? ये कौन है? The Lamb. मेमना. That mountain, वो पहाड़, foreshadowed that city. वो पूर्व छाया बनी उस शहर की. दिखाई दे रहा है आपको? Amen. अब रूपांतरण के पहाड़ को एक नए नजरिए से दिखा रहे हैं. Amen. That mountain is a shadow of that city. वो पहाड़ जो है पूर्व छाया है उस शहर की. And the lamb is on the top. और मेमना चोटी पर है. And he's shining brightly. और वो उज्जवल चमक रहा है. Is that right? क्या बात सही है? Yes, yes. Just a minute, please. And in there, और वहाँ पर, he was represented with both Moses and Elijah. वो वहाँ दिखता है मूसा और एलिया दोनों के साथ. The translated and the dead raised. वो जो कि रूपांतरित हुए और जो कि मृतकों में से जी उठे. Is that right? क्या बात सही है? Moses represents that part which dies and rises again. मूसा उस वाले हिस्से को दर्शाता है जो मरे और जी उठे. Elijah represents those who are changed alive. और एलिया उनको दिखाता है जो कि जिंदा बदल गए. Both groups with him. दोनों झुंड उसके साथ. On the top of that mountain. उस पहाड़ की चोटी के ऊपर. In that light. उस रोशनी में. That's how it'll be in the new earth. और इसी प्रकार से उस नई पृथ्वी नई यरूशलम में होगा. Are you understanding it, brother? क्या समझ रहे मेरे भाई? Mount Sinai. सीने पर्वत. Mount Transfiguration. रूपांतरण का पहाड़. Foreshadowing what the real mountain will be. पूर्व छाया. Covered by that light. जो कि उस रोशनी से ढका होगा. The new city and the new earth. वो नया शहर नई पृथ्वी. The new creation. नई सृष्टि. The city on the hill. वो शहर जो कि पहाड़ के ऊपर है. With a throne in the top of it. जिसके शिखर जिसकी चोटी पर वो सिंहासन होगा. He's drawing it. नबी उसको बना के दिखा रहे हैं. The throne will be here. सिंहासन यहां पर होगा. That's right, this is the position of the throne. यह है सिंहासन का स्थान. From where the light will shine. जहां से रोशनी चमकेगी. Yes, that's right. बात सही है. Throne on the top of it. और जो सिंहासन है वो चोटी पर है. The throne up here in the top. और जो सिंहासन है वो यहां पर चोटी पर है. And the dwellers. और जो वहां रहने वाले हैं. All up and down on this mountain. और वे जो रहने वाले हैं वो तमाम यहां पर ऊपर नीचे रहते हैं पहाड़ के ऊपर. Staying on this mountain. इस पहाड़ पे रहते हैं. Up and down. ऊपर नीचे. And the wall that's around this. और जो दीवार इसके चारों ओर है. Let me make this wall for you today. आइए आज मैं इस दीवार को आपके लिए बनाऊं. It's something like this. वो कुछ इस प्रकार से है. Yes. Can you visualize it? क्या आप इसको कल्पना कर सकते हैं? It's a wall in which this pyramid is standing. यह है वो दीवार जिसमें यह पिरामिड खड़ा है, स्थित है.
Can you see this? I mean, if everybody can, at least somebody can see it. शायद कोई इसको देख पाए. This is a wall. ये दीवार है. Yes. This. ये. It's a wall. It's a perimeter in which the pyramid is. ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके अंदर ये पिरामिड है. Wall. I'm saying perimeter. Perimeter. Yes. ये एक हद है. ये हद है जिसके अंदर ये पिरामिड पाया जाता है. आपने जैसे एक हद देखी होगी खेत की, चारों तरफ एक पिलर खड़ा कर देते हैं, घर के चारों तरफ हद होती है, एक वॉल बनती है, उसके अंदर घर होता है. दिस इज अ पिरामिड एंड दिस इज द वॉल. ये है पिरामिड और ये है उसकी दीवार चारों तरफ. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या समझ रहे हैं आप? दैट्स द वॉल ऑफ दैट सिटी. ये है दीवार उस शहर की. इफ यू कैन कैच इट, अगर आप इसको पकड़ पाए. एंड द वॉल दैट्स अराउंड दिस हैड 12 फाउंडेशंस. और जो दीवार इसके चारों ओर है उसकी 12 नेवे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ब्रदर. इसको समझने की कोशिश करें. आई ड्रॉ ओनली अ पार्ट हियर. मैं केवल एक हिस्से को यहां बनाऊंगा. 12 लेयर्स, 12 परतें. 12 लेयर्स ऑफ दिस वॉल. इस दीवार में 12 परतें हैं. फॉलो इट विद मी. मेरे साथ चलने की कोशिश करें. एंड ईच वन ऑफ देम हैड द ब्रेस्ट स्टोन वाज इन एरन. और इसमें से हर एक जो है वो हारून के जो छाती पे पटका था उस पे पाया जाता है वाला पत्थर था. Turn with me to Revelations 21. मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य के 21वां अध्याय. Just for a minute. एक मिनट के लिए. Let me show you this wall. आइए मैं आपको ये दीवार दिखाता हूं. Now he's describing the city. अब वो शहर का उल्लेख दे रहा है. Let's read from verse 9. नवी आयत से आइए पढ़ते हैं. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues and talked with me saying, Come hither, I will shew thee the bride, the lamb's wife. फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात अंतिम विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे से बात करने लगा और कहने लगा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते दिखाया. आत्मा में किस पहाड़ पे ले गया? ये कौन सा पहाड़ था? एवरेस्ट? नहीं सर. नो, दिस माउंटेन विच विल बी पुश्ड अप. ये पहाड़ जो कि उभर के निकल के आएगा बाहर. एंड ही सीइंग दैट सिटी डिसेंडिंग ऑन इट. और वो देख रहा है शहर उस पे उतर रहा है. Like a comet in one message he said. नबी ने बताया एक कॉमेट के रूप में. Yeah. एक संदेश में नबी ने बताया. That great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. और पवित्र नगर यरूशलम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते दिखाया. That dimension of eternity. वो अनंता के जो आयाम है. Is now going to set on time. अब समय पे आके वो सेट हो जाएगा. Engulf time into eternity. और समय को निगल जाएगा अनंता में. Are you able to understand that? क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? That great city. वो महान शहर. The holy Jerusalem. पवित्र नगर यरूशलम. Descending out of heaven from God. जो स्वर्ग से खुदा के पास से उतर रहा है. Having the glory of God. खुदा की महिमा उसमें है. And her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone clear as crystal. खुदा की महिमा में उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी. Understanding? क्या समझ रहे हैं आप? That city is like a crystal. वो शहर एक क्रिस्टल, एक शीशे के मानिंद है. क्लियर एज क्रिस्टल. वो बिल्लौर की तरह शुद्ध है. Understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? Shining like jasper. यशब की तरह चमक रहा है. Now, Brother Branham said jasper was the birthstone of Reuben. और नबी ने बताया कि जो यशब है वो रूबेन का पैदाइशी पत्थर है. Is that right? क्या बात सही है? It represented the firstborn. वो दर्शाता था पहलौठे को. Then this city is the city of firstborn. तो फिर ये शहर पहलौठों का शहर है. Is that right? क्या बात सही है? You are called unto New Jerusalem. आप नए यरूशलम में बुलाए गए हो. The church of the firstborn. वो कलीसिया जो कि पहलौठों की है. That's why it's shining like jasper. इसलिए वो यशब की मानिंद चमक रहा है.
Are you with me? क्या मेरे साथ हैं आप? Or are you still in a daze? या अभी भी आप खुमारी में हैं? I think you are with me. मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ हैं. Amen. Amen. Shining like jasper. यशब की तरह चमक रहा है. Clear as crystal. और बिल्लौर की तरह स्वच्छ है. All this is symbolic, brother. ये सब कुछ जो यहाँ लिखा है ना, ये चिन्ह वाली भाषा है. It is a reality as well. ये हकीकत भी है. The city is like this. जो शहर वो इसी प्रकार से है. But it is also symbolic of something else. लेकिन ये किसी और चीज की एक चिन्ह भी है. Your theophany is like crystal. आपकी theophany एक बिल्लौर जैसा है. And the light emitting is jasper. और जो रोशनी अंदर से निकली है वो कौन सी है? यशब की. Because you are a part of that firstborn. क्योंकि आप उस पहलौठे का हिस्सा हैं. That's the city. ये है वो शहर. And had a wall great and high, and had 12 gates, and the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इज़राइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे. कैसे? वॉल ये रही, वॉल के अंदर फाटक, तीन इधर. God bless you, brother. तीन इधर. These are the 12 gates. यह है 12 फाटक. Made in that wall. जो कुछ दीवार में बनाए गए शहर पर. Now I'm giving you homework, brother. You, brother Dakshin, all who are graphic. तो इसको थोड़ा सा एक अच्छे से उसमें construct करने की कोशिश करिएगा. So that we can show it to the church next time. Agli the first. But I know you are getting an idea. Lekin main sochta hu ki aapko ek idea mil raha hoga. There are three on each side. Teen phatak hain har ek alang pe. Now if you remember how it happened in the wilderness. Ab aap jante hain kaise hua tha jungle mein. Three tribes on each side. Teen gotra har taraf. Same pattern. Wahi namuna. And there are 12 angels there. Aur wahan par 12 swargdoot hain. And who are they? और वे कौन है? The names of the 12 tribes of the children of Israel are written there. इज़राइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे गए थे. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, on the west 3 gates. पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे. एक चीज बोलूं आपसे, आपके अंदर कितने फाटक हैं? बॉडी के 5, आत्मा के 5, सोल का 1. यानी टोटल गिन के 11 बने, यहां पे 12 हैं. एक 12वां खुलेगा. हां जी, एक समय पे खुलेगा. आमीन. अब वो जो 12वां खुलेगा वो लाएगा रैप्चरिंग फेथ. आमीन. जो आपके जीवन में भी 12 फाटक पूरे कर देगा. क्या आपको याद है 12 चेले थे? Amen. एक ने पकड़वाया वो हट गया, कितने रह गए? 11. फिर 12वां पूरा हुआ बाद में, कौन? पौलुस. और कितनी अजीब बात, पौलुस 12वां चेला बना. पौलुस पहला ही कलीसिया काल का दूध भी बना. Amen. 12वां चेला साथ में पहला. Amen. उसने 12 को ज्वाइन किया 7 से. Amen. क्या दिखाई दे रहा आपको? God bless you, brother. Paul is the link between 12 and 7. Paulus jo hai wo jod hai 12 11 aur 12 aur 7 ke beech ka. Getting the point? Ye baat samajh mein aa rahi hai? Let's see the city first. Aaiye pehle sheher ko dekhte hain. Bahut hai abhi to, ye hame aaj ki meeting shayad isi mein niklegi, outline mein. But pehle outline samjhe, diagram banaye, parcha padhe. And the wall of the city had 12 foundations. Verse 14. चौदहवीं आयत में लिखा, नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थीं. And in them the names of the 12 apostles of the Lamb. और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे. क्या होगा when John must have read his name? जब यहुन्ना ने अपने नाम को पढ़ा होगा तब क्या हुआ होगा? On one of those foundations. उनमें से एक नींव के ऊपर. And who's showing that? और ये कौन दिखा रहा है? That angel. वह दूत. To John. To John, यहुन्ना को, his position in the city, उसके position को, उसके जगह को शहर में. Can you catch that mystery? क्या इस भेद को आप पकड़ पा रहे हैं? God bless you, brother. 12 foundations, 12 नींवे, and on it the names of the 12 apostles of the Lamb. और मेमना के 12 प्रेरितों के नाम उन पे लिखे हैं. Of course, 12वां यहूदा स्तुति तो हो ही नहीं सकता. Amen. यहूदा स्तुति का नाम तो होगा नहीं उस शहर में. तो 12वां कौन है?
it's Paul. ये पौलुस है. And he that talked with me had a golden reed to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था. तभी मैं आज स्क्रिप्चर्स पढ़ ले रहा हूँ, घर जाके पढ़िएगा, बहुत विशाल का है. इसलिए पहले मैं पढ़ रहा हूँ, एक बैकग्राउंड बनाइए माइंड में कि अगली बार इस पर जब तेज बोला जाए तो आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड है जिसपे आप आगे पकड़ पाए. आमीन. मैं सोचता हूँ घर जाके करते होंगे आप ये काम. आमीन. गॉड ब्लेस यू. Yes, so there's a golden reed in the hand of this angel. तो इस दूत के पास एक सोने का गज है. To measure the city. ताकि शहर को नापे. And the gates thereof. और उसके फाटकों को. And the wall thereof. और उसकी दीवार को. And the city lieth four square, and the length is as large as the breadth, and he measured the city with a reed 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. वो नगर वर्गकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 12,000 फरलोंग निकला. मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई, हिंदी में फर्क लिखा हुआ. अच्छा चलिए. द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ इट आर इक्वल. उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी. यू गॉट इट? क्या आपको समझ में आ गया? इट्स नॉट अ क्यूब. ये कोई क्यूब नहीं है. इट्स अ पिरामिड. ये पिरामिड है. And he measured the wall. और फिर उसने उसकी दीवार शहरपनाह को नापा. First he measured the city. पहले शहर को नापा. Now he's measuring the wall. अब वो शहरपनाह की दीवार को नाप रहा है. Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? Thereof and 144 cubits. तो 144 हाथ निकली. According to the measure of a man, that is of the angel. ये वाली आयत नहीं लिखी हुई हिंदी में. आप पढ़िए वैसे हिंदी में क्या लिखा है. हिंदी में भैया यहीं तक लिखा हुआ है. उसने उस शहरपनाह को, अच्छा लिखा हुआ है. हाँ? उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा. हाँ हाँ. तो 144 हाथ निकली. 144 हाथ कौन से? एक आदमी के, जो कि एक दूत है. आमीन. इन अदर वर्ड वी हैव यूनिट्स. दूसरे शब्दों में हमारे पास इकाई है. मेजरिंग यूनिट्स आर देयर हियर. नापने की इकाइयां लिखी हैं. Try to understand it. समझने की कोशिश करें. Oh, it's very deep. बहुत ही गहरा है ये. And the building of the wall of it was of jasper. उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी. And the city was pure gold. और नगर शुद्ध सोने के समान था. Like unto clear glass. जो कि स्वच्छ कांच के समान हो. सोना था जो कि बिल्कुल क्लियर दिखता था शीशे की तरह. Amen. सोना और शीशा, ऐसा सोना जो शीशे की तरह दिखे. गेटिंग इट? बाय. लाइक अन टू क्लियर ग्लास. बिल्कुल साफ स्वच्छ कांच के समान. एंड द फाउंडेशन ऑफ द वॉल ऑफ द सिटी वर गार्निश्ड विद ऑल मैनर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स. उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों के से सवारी हुई थी. द फर्स्ट फाउंडेशन वॉज जैस्पर. पहली नींव यशब की. फर्स्ट लेयर. पहली लेयर. द सेकेंड सफायर. दूसरी नीलमणि की थी. द थर्ड चैल्सिडोनी. तीसरी लालड़ी. द फोर्थ एन एमराल्ड. चौथी मरकत की. वेयर डू यू फाइंड दीज स्टोन्स? आपको ये पत्थर मिलते कहां हैं? ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ एरन. हारून की जो पटका है सामने उस पे. यू रिमेंबर दैट? क्या आपको याद है? व्हाट वाज कैरेक्टरिस्टिक अबाउट दीज स्टोन्स? इन पत्थरों के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक बात है? व्हेन अ ट्रू प्रॉफिट स्टूड बिफोर इट. जब एक सच्चा नबी उसके सामने खड़ा हुआ. एंड प्रोफेसाइड बिफोर दीज स्टोन्स. और इन पत्थरों के सामने उसने नबूवत की. अ ब्राइट रेनबो केम आउट. एक बहुत ही चमकदार मेघधनुष निकल के आ गया. देन देयर हैज टू बी अ रेनबो इन दैट सिटी. तो जरूरी है कि उस शहर में मेघधनुष हो. व्हाई? क्यों? बिकॉज द लाइट ऑफ द लैम्ब इज शाइनिंग ऑन दैट स्टोन्स. गॉड ब्लेस यू. क्योंकि मेमने की रोशनी इन पत्थरों पे चमक रही है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, योर थियोफनी should be emitting a rainbow light. जरूरी है कि आपकी थियोफनी में से रेनबो रोशनी निकल रही होगी. आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन के आज क्या क्या प्रचार कर रहे हैं आज भाई. यस, यू आर लाइट. योर थियोफनी इज लाइट. आपकी थियोफनी रोशनी है. एमिटिंग अ रेनबो कलर.
जिसमें से कि मेघ धनुष का रंग निकल रहा है। यस, बात सही है। जब आप दूसरी तरफ जाएंगे आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। आमेन। दिस इज अ शैडो ऑफ दैट सिटी, क्योंकि ये छाया है उस शहर की। दैट्स राइट, बात सही है। रेनबो कलर्स, मेघ धनुष के रंग। So that's the stones I'm not reading it, took a short time. समय बचाने के लिए मैं ये पत्थर है, मैं पढ़ नहीं रहा। Verse 19 and 20 describes those stones. 19वें और 20वें आयत इन पत्थरों का उल्लेख थे। All these stones were breastplate of Aaron. और ये तमाम पत्थर हारून के पटके पे थी, छाती पे। Now present where? आप कहाँ पे प्रस्तुत हैं? On the wall of the city. शहर की दीवार के ऊपर। Now if you can follow it with me, please. अगर आप मेरे साथ चल पाएं तो देखिए। This is the wall on Aaron. Oh my God. ये है वो दीवार जो हारून के ऊपर है। With those 12 stones, उन 12 पत्थरों के साथ। Now where is the city? तो शहर कहाँ है? It has to be inside the wall. जरूरी है कि दीवार के अंदर भीतर हो। What was inside the breastplate? और पटके के पीछे क्या था? The body of the high priest. महायाजक की देह। And what is the body of the high priest? और महायाजक की देह क्या है? Christ, it's his bride. मसीह की दुल्हन। Surrounded by these 12 stones, जो कि घिरी हुई है इन 12 पत्थरों से। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? Oh, there are so many things. बहुत तेरी चीजें हैं। And we'll see it. And the 12 gates were 12 pearls. और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। ऐसी गेट नहीं थे, इनमें पर्ल्स हैं। मोती है। Made of pearls. जो कि मोती से बना हुआ है। Now pearls reminds me of something. अब मोती मुझे किसी चीज को याद दिलाता है। Nacreous center, nacreous केंद्र, emitting 7 colors, 7 रंगों को प्रदर्शित करते हुए। So now you got it. अब आपको समझ में आ गया। That rainbow lights coming from the gates, जो फाटकों से सतरंगी रोशनी निकल रही है। And it's covering the whole. Wall. और वो पूरी की पूरी शहर पनाह को ढाके है। Yeah, that's right. ये बात सही है। अभी तो खैर एक आउटलाइन ही पहले समझें। And the 12 gates were 12 pearls. और 12 जो फाटक थे वो 12 वो मोतियों के थे। Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. एक-एक फाटक एक-एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। क्या ये पढ़ने की चीजें हैं? Amen. क्या ये बाइबल है? आमेन। क्या ये है वो भली वस्तुएं जो आपने तैयार करी अपने डरवैयों के लिए? आमेन। घर जाके इस हफ्ते 21वां अध्याय पूरा पढ़िएगा, 21-22। इस पे खुदा रहम करे अगली बार जब मिलेंगे और डेवलप करेंगे। यस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब इसको समझने की कोशिश करें। सो देयर इज अ स्ट्रीट। सो वहां पर एक सड़क है। प्योर गोल्ड, जो कि शुद्ध सोने की है। As it were transparent glass. और शुद्ध सोना भी कैसा है? जैसे कि एक स्वच्छ कांच के समान। And I saw no temple therein. और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु खुदा और मेमना उसका मंदिर है। And the city had no need of the sun, neither of the moon. To shine in it, for the glory of God did lighten it, Amen. And the Lamb is the light thereof. उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदा के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। And the nations of them which are saved, ये कौन है? Citizens, shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। कौन है वो? सिटीजन है जो उसमें रह रहे हैं, और पृथ्वी सिटीजन जो हैं, जो शहर के बाहर रह रहे हैं। शहर के बाहर रह रहे हैं, शहर में नहीं रह रहे अभी। यस, इन न्यू हेवन्स एंड न्यू अर्थ, खाली सिटी नहीं होगा, सिटी के बाहर भी लैंड होगी। आमेन। उसमें भी बचाए हुए होंगे, उसमें भी बचाए हुए। आप न्यू हेवन न्यू अर्थ को खाली सिटी मत समझिए। हाँ जी, सिटी के बाहर भी अर्थ होगी, जिसमें राष्ट्र होंगे, राजा होंगे, जो शहर में आया करेंगे। आमेन। हमने सीखा था। यस। हु गेट्स इटर्नल लाइफ इन सेकंड रिजरेक्शन?
Eternal life and second resurrection. दूसरे पुनरुत्थान में आनंद जीवन किसको मिलता है? Citizens. Citizens को. मूर कुमारी भी है ब्रदर, उसमें यहूदी भी है, उसमें कई ग्रुप्स हैं. हाँ जी. जो कि it comes at the second resurrection. जो कि दूसरे पुनरुत्थान में आते हैं. Judged according to works. कामों के द्वारा उनका न्याय होता है. And they receive eternal life. और अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हैं वो. They are given eternal life to live in, but not as a possession. उन्हें अनंत जीवन दिया जाता है रहने के लिए, एक मीरास के रूप में नहीं मिलता उन्हें. Which a believer gets now as the baptism of Holy Ghost. जो कि एक विश्वासी को अब मिलता है पवित्र आत्मा के रूप में. These will populate outside the city. ये लोग जो है वो इस शहर के बाहर रहेंगे और उसको में बसावट करेंगे. शहर में कौन रहेगा? केवल दुल्हन. Only the bride. केवल दुल्हन. इसलिए मैप भी उन्हीं समझ में आएगा जो वहां रहेंगे. Amen. ये मैप उन्हीं के लिए है. हमारे ये अच्छे काम करने वालों के लिए नहीं है, ये है ब्राइड के लिए. Amen. We live in that city. जो कि उस शहर में रहेगी. You getting it? ये बात समझ में आ रहा है? So the kings of the nations. तो राष्ट्रों के जो राजा हैं, they will come. वो आएंगे. Will bring their glory and honor into it. जो अपने आदर और महिमा को अंदर लेके आएंगे. कहां जाएंगे? अब ये सब मनाएंगे नबी. बहुत इंटरेस्टिंग है. जब एक राजा घुसेगा इस गेट के अंदर से ताकि शहर में जाए, तो कहां जाएगा राजा? किससे मिलेगा? समझ मारी आपके? इन तमाम चीजों को दिमाग में रखिएगा. क्योंकि एक नया अध्याय है जिसपे हमने बहुत बार ड्वेल किया नहीं. मैं सोचता हूं पिछला प्रिंस पब्लिक स्कूल बहुत साल पहले मैंने इस विषय को टच किया था, और जब से कई नए लोग आए ये विषय हमने छुआ ही नहीं है. तो इसलिए पहले मैं अध्याय पढ़ लूं, कि जब तक अध्याय की बैकग्राउंड नहीं बनेगी तो नबी ने क्या बोला आपके पल्ले इतना भी नहीं पड़ेगा. इसलिए मैं बोल रहा हूं, पढ़िए मेरे साथ. Amen. एक रफ डायग्राम दिमाग में बनाइए. शहर कैसा दिख रहा है, उसकी दीवार कैसी दिख रही है, तीन तीन गेट हर तरफ हैं, गेट कैसा दिखता है, दीवार कैसी दिखती है. एंड द गेट्स ऑफ इट शैल नॉट बी शट एट ऑल बाय डे, फॉर देयर शैल बी नो नाइट देयर. उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी. कभी वहां रात ना होगी. एंड दे शैल ब्रिंग द ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ द नेशंस इनटू इट. लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे. उनका एक ही काम है, गिफ्ट्स लेते रहो. समझाइए आपके. Amen. शहर गिफ्ट से भरा रहेगा. Amen. हर वक्त कोई आएगा, एक गिफ्ट लाएगा, गिफ्ट देगा. ऐसी बरकत होती है कुछ शहरों में. Amen. समझ मा रही है आपके. Amen. ओहो. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे. And there shall be in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्त्र या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं. यही होंगे शहर में. Amen. And who are these? और ये कौन है? The bride. दुल्हन. That's right. बात सही है. So this is the lamb's section of the earth. तो ये जो है ये मेमने का के जीवन का हिस्सा है इस पृथ्वी के ऊपर. आर यू गेटिंग इट ब्रदर? क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? आई एम जस्ट टचिंग फ्यू पॉइंट्स. मैं केवल कुछ पॉइंट्स को छू रहा हूं. पहले पढ़ लीजिए. यस. एंड ही शूड मी अ प्योर रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ क्लियर एज क्रिस्टल. फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई. मन कर रहा है उसको अभी पी लूं. आमेन. और आप पी रहे हैं उसे अभी. Amen, amen. Proceeding out of the throne of God and of the Lamb. जो खुदावंत के मेमने के सिंहासन से निकलकर आ रही है. How what did Branham say? Branham ने क्या कहा? Lucifer in Babylon tried to copy this city. लूसीफर ने बेबीलोन में इस शहर की नकल करने की कोशिश करी. एक चीज में चूक गया.
हाँ जी, he failed in one place. एक जगह वो चूक गया. In this city, इस शहर में, the river proceeds from the throne. जो नदी है वो सिंहासन से निकल कर आ रही है. In Babylon, बाबुल में, Euphrates went from outside to the throne. फरात नदी बाहर से बह करके सिंहासन पे जा रही थी. So an outsider could dry it up. ताकि एक बाहरी जो है उस नदी को सुखा सके. And that's what Darius done. और यही तो दारा राजा ने किया. And entered from behind. और नीचे से प्रवेश कर गया. And destroyed Babylon. और बाबुल को बर्बाद कर दिया. But this city, लेकिन ये शहर, its ever springing life is coming out. उसका हमेशा बहता हुआ सोता निकल रहा है अंदर से. What's the source? स्रोत क्या है? The throne. सिंहासन. From the throne, water is coming. सिंहासन से पानी निकल रहा है. Now just a minute. अब एक मिनट. So there is a river. तो एक नदी है. And streams are flowing like this. और उसकी धाराएं इस प्रकार से बह रही हैं. On all the slopes. सारे slopes के ऊपर. From the top of the throne. सिंहासन की चोटी से. The water is flowing down. जो पानी है नीचे बह रहा है. This whole mountain is bathed with water. ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये नहाया हुआ है इस नदी में. इसका सोता नीचे नहीं है. हाँ जी, इसका सोता ऊपर है. Right at the top. ठीक शिखर के ऊपर. Where the lamb is the throne. जहाँ मेमना सिंहासन है. Where the lamb is the light. जहाँ मेमना रोशनी है. From there, from the throne proceeds this water. और सिंहासन से ये नदी निकल रही है. Is that right? बात सही है. Where is the throne today? वो सिंहासन आज कहाँ है? In your heart. आपके मेरे हृदय में. And what is that river of life? और वो जीवन की नदी क्या है? The Holy Ghost. Holy Ghost, पवित्र आत्मा. Flowing in your body. आपकी देह में बह रहा है. The circulatory system of the city. शहर का सर्कुलेटरी तंत्र, मैं कहूंगा बहने वाला तंत्र. It's not blood. ये खून नहीं है. It's the river of life. ये जीवन की नदी है. Hallelujah. Hallelujah. Flowing in your glorified body. आपकी महिमा युक्त देह में बहते हुए. Not this flesh and blood. ये मांस और लहू नहीं. But the river of life. लेकिन जीवन की नदी. Yes. जी हाँ. In the midst of the street of it. और उसके नगर के बीच में. And on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी ये नदी. नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था. उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे. वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे. Changing fruit every month. हर महीने फल नया आ रहा है. एक पेड़ पे 12 किस्म के फल. Amen. But you see, it's there. लेकिन आप देखिए वहां है. अभी खैर ऊपरी ऊपरी बात समझें, बाद में इसकी डिटेल और भी समझेंगे. एंड द लीव्स आर फॉर द हीलिंग ऑफ द नेशंस. और पत्ते जो है वो जाति जाति के लोगों के चंगाई के लिए हैं. ब्रदर ब्रैनम सेड नॉट डिवाइन हीलिंग. भाई ब्रैनम का दैवीय चंगाई नहीं. क्योंकि नए नगर यरूशलम में, नया आकाश नई पृथ्वी में मृत्यु तो होगी नहीं. हाँ जी, तो वहां चंगाई की जरूरत नहीं होगी. ये कौन से राष्ट्रों की चंगाई है? अब ये अमन चैन शांति के साथ रहें, अब इनमें लड़ाइयां ना हो. Amen, झगड़े ना हो. हीलिंग ऑफ द नेशंस, जाति जाति के लोगों के चंगाई के लिए. एंड देयर शैल बी नो मोर कर्स. फिर श्राप ना होगा. द कर्स दैट केम ऑन अर्थ इन जेनेसिस. वो श्राप जो उत्पत्ति में पृथ्वी पर आया. इज टेकन आउट इन दिस सिटी. इस शहर में वो हटा दिया गया. There's no curse in that city. उस शहर में कोई श्राप नहीं है. There's no curse in your theophany. आपकी थियोफनी में कोई श्राप नहीं है. Can you catch that mystery? क्या भेद को आप पकड़ पा रहे हैं? Amen, amen. Amen, amen. No curse there, brother. वहाँ पे कोई श्राप नहीं है. Never. कभी नहीं. Lest I come and smite the earth with a curse. You know that. ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी को श्राप से बर्बाद करूं. Then Elijah's message takes you to the city. ये एलिया का संदेश आपको लेके जाता है इस शहर में. And there shall be no more curse. और फिर श्राप ना होगा. But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. और खुदा और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे. Who are these? ये कौन है? Thousand times thousand served him.
हजार गुना हजार ने उसकी सेवा करी. Who's that? ये कौन है? The bride. दुल्हन. And they shall see his face. Oh God! और वे उसका मुख देखेंगे. And his name shall be in their foreheads. और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा. He didn't say on their foreheads, brother. हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है. हाँ जी. It doesn't say on their foreheads. उनके माथे के ऊपर नहीं लिखा होगा. In their foreheads. उनके माथे के अंदर लिखा होगा. It'll be inside them. ये उनके अंदर होगा. Do you know that new name is already written in you? आप जानते हो नया नाम पहले से आपके अंदर लिखा हुआ है. And there shall be no night there. और वहां पर कोई रात ना होगी. समझिए शहर क्या है ये. Amen. तभी मैं पहले बाइबल पढ़ रहा हूं. There shall be no night there. फिर वहां पर रात ना होगी. अब घर जाके इसको 10 दफा पढ़ना ताकि याद रहे. Amen. ताकि कनेक्टा कर पाओगे नबी ने क्या बोला. And there shall be no night there. फिर रात वहां पर ना होगी. And they need no candle. और उन्हें किसी भी दीपक की जरूरत ना होगी. Neither light of the sun. और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी. For the Lord God giveth them light. क्योंकि प्रभु खुदावन उन्हें उजियाला देगा. And they shall reign forever and ever. और वे युगान युग राज करेंगे. And he said unto me. फिर उसने मुझसे कहा. These sayings are faithful and true. ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं. And the Lord God of the holy prophets sent his angel singular to shew unto his servants the things which must shortly be done. प्रभु ने भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का खुदा है अपने स्वर्गदूत एक वचन को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना पूरा होना अवश्य है दिखाए. Think of this. इसके बारे में सोचिए. When is John seeing this vision? यूहन्ना इस दर्शन को कब देख रहा है? AD 96. 96 ईस्वी में. Is that right? ये बात सही है. Things which will shortly be done. चीजें जिनका शीघ्र होना अवश्य था. When will it be done since AD 96? 96 ईस्वी से ये कब होगी बातें? 2000 years have gone. 2000 साल बीत गए हैं. When the rapture would take place anytime now. जो कि जबकि अब रैप्चर कभी भी हो सकता है. And starts a millennium. और एक हजार सालाना बादशाह चालू हो. And after millennium. और मिलेनियम के बाद. This is the renovation. ये है नवीनीकरण. So from AD 96. So 96 ईस्वी से. It would be 3 days. 3 दिन होंगे. In God's days. खुदा के दिनों में. When this new city would be here. जब वो नया शहर यहाँ पर होगा. At the end of the third day. तीसरे दिन के समापन पे. Now what happened at the end of the third day? और तीसरे दिन के समापन पे क्या हुआ? The two disciples sat with him. दो चेले उसके साथ बैठे. In Emmaus. Emmaus में. In a room. एक कमरे में. And a table was brought. और एक मेज लगाई गई. An altar. एक वेदी. And he took the bread. और उसने रोटी ली. Who is this? Who's breaking bread? अब ये कौन है जो रोटी तोड़ रहा है? The lamb. मेमना. The capstone of that city. वो शहर का चोटी का पत्थर. And who are these two? और ये दो कौन है? The dwellers of that city. वो शहर के निवासी. And he breaks the bread. और वो रोटी तोड़ता है. Gives it to them. उनको देता है. And their eyes were opened. और उनकी आंखें खुल गईं. Is that right? क्या बात सही है? And he was revealed in his new body. To his disciples. और वो नई देह में अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ. At the end of the third day. तीसरे दिन के खात्मे पर. Do you remember that? क्या आपको याद है ये? The first visitation. पहली मुलाकात. When all the disciples were in a room. जब सारे के सारे चेले एक कमरे में थे. That's where he appeared. ये वो जगह थी जहाँ वो प्रकट हुए. At the end of the third day. तीसरे दिन के समापन पे. The day of resurrection. पुनरुत्थान का जो दिन था. And there's the day of resurrection for the earth as well. और ये पृथ्वी के लिए पुनरुत्थान का दिन है. At the end of the third day, the earth is renewed. पृथ्वी तीसरे दिन के समापन पे पृथ्वी नवीनीकरण होता है. Since AD 96. 96 ईस्वी से. 2000 साल लगाइए. 2096. 2096. हम 2023 में रह रहे हैं. उससे काफी पहले एक रैप्चर होके मिलेनियम शुरू हो जाएगा. Yes, फिर 1000 साल लगा लीजिए. 3096 सन. पहुंच गए आप वहां पे. Yes. उससे भी कहीं पहले ये नवीकरण होगा और पृथ्वी फिर एक नए उसमें आ जाएगी. समझ मारी आपके? Amen. What happens? At the end of the third day, the renovation begins. और तीसरे दिन के समापन पे पुनः नवीनीकरण होता है. About 1000 years.
1000 साल तक. As I showed you in that square. जैसे मैंने आपको इस चौकोर में दिखाया था. And a new heaven and new earth will come. और एक नया आकाश नई पृथ्वी आ जाएगी. Yeah, that's right. ये बात सही है. At the end of the third day. और तीसरे दिन के समापन पे. Another day comes. एक और दिन आता है. You can call it the fourth day. आप इसको चौथा दिन कह सकते हैं. Then comes the city. फिर आता है शहर. यानी AD 96 से लगभग 4000 साल लग रहे हैं शहर तक. लेकिन खुदावन की गिनती में 4 दिन. That's why he's saying shortly coming to pass. इसलिए वो कह रहा है कि वो बातें जिनको जो कि शीघ्र होने वाली हैं. And the fulfillment of those things in the lives of believers. और उनका पूर्तिकरण जो जीवनों में होगा विश्वासियों के. Now after 2000 years. 2000 साल के बाद अब. Isn't it shortly come to pass? क्या ये बिल्कुल शीघ्र अवश्य होने वाला बात नहीं है? Are you getting it? क्या बात समझ में आ रही है? Now this is what is the Bible. अब ये है बाइबल जो बाइबल में लिखा है. I hope एक outline आपको मिल गई है. एक रूपरेखा आपको मिल गई. God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत. I'll not hold you very long today. आज आपको लंबा नहीं रोकूंगा. आज मैं कहूंगा बस घर जाइए, इसे पढ़िए, मेडिटेट करिए, सोचिए और इसकी एक आउटलाइन रूपरेखा ये बना लीजिए. ये सब बना लीजिए कहीं किसी कागज पे. जब अगली बार आएंगे तो हम इसमें थोड़ा और डेवलप करेंगे. यहां से फिर कुछ चीजें रेवल्यूशन वाली चालू होंगी. Amen. आपको रफ आउटलाइन तो मिल गई है. Amen. God bless you. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक दुआ करेंगे. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने आज शाम फिर से हमसे बातचीत करी और आपके वचन के अनुसार एक रूपरेखा इस पर्वत की हमने देखी और हमने ये भी देखा किस रीति से नया नगर यरूशलेम जो कि हमारी थियोफनी को दर्शाता है, जो आपकी दुल्हन का ही हिस्सा है, हमारे देहों को कैसे पहन लेगा और ये देहें बदल जाएंगी जैसा शहर के साथ वैसा ही एक व्यक्ति के साथ, और कैसे वो जीवन की नदियां उस जिस्म में बहेंगी. ओ खुदावन, हमें ऐसा जीवन चाहिए और हमें वहां ले चलिए. जल्द ही एक रैप्चर हो और हमारी देह बदल जाएं और हम आपके साथ जा सकें. रहम चाहते हैं. सारे आदर महिमा के योग आप हैं. जब मेज आती है उसकी हमें तैयारी बख्शें कि एक सही हृदय और मन से इसमें हम भागीदार हों. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन. आइए हम सब खड़े हो जाएं. और हमारे लिए मौका होगा, अपनी लाइनें प्रॉपरली बना लीजिए कि हम इस मेज में भागीदार हों. आमीन. बहनें भी खड़े हो जाएं. आइए उस कोरस को हम लोग गाएंगे, सालवेशन ऑनर एंड ग्लोरी. अपने आप को तैयार कर ले, अपनी लाइनें बना लें. सालवेशन ऑनर एंड ग्लोरी एंड पावर बिलोंग्स टू माय लॉर्ड. Salvation, honor and glory and power belongs to my Lord. His name is Jesus, oh my Jesus, Jesus Christ, my Lord. Jesus Christ, my Lord.
आप लोग बैठ सकते हैं, प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। जब हम प्रभु के कलाम से आपके सामने उस वार्निंग को पढ़ने जा रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और उसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम इस मेज में जाएं, अपने तमाम भूल चूक अपराधों की क्षमा मांगते हैं। अपने पवित्र लहू से हमें धोएं, पाक साफ करें। खुदावन, जैसा आपके साथ चलना चाहिए हम नहीं चले, हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें धोएं, पाक साफ करें और एक शुद्ध हृदय मन से तौफीक दें कि हम इस मेज में भागीदार हों और यहाँ से एक बरकत ही लेके अपने घर लौटें और हर चीज़ ठीक ठाक पाएं और आगे भी हमारे साथ हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। फिर प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए जो अब तोड़ी जाएगी, जो आपके टूटे हुए बदन को दर्शाती है, जिसमें हम भी भागीदार होंगे। आपके बदन की सामर्थ हम में काम करे, वो टूटे बदन का हिस्सा जो हम हैं हम में पैवस्त हो और हम और आप एक दर्शाए जाएं। इसी को दर्शाने के लिए हम इसमें भागीदार हैं और ऐसा हो कि आपका वायदा हमारे जीवन में पूरा है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। ब्यारी के पीछे आप प्रभु ने कटोरा भी लिया। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस प्याले के लिए, जिसमें है तो वाइन लेकिन दर्शाता है आपके लहू में नई वाचा को, जिसमें अब हम भागीदार होने जा रहे हैं। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु, आपके लहू की सामर्थ ऐसी काम करे जैसा आज हम संदेश में देख भी रहे थे, हमारा खून साफ हो जाए। और जैसा आपने कहा, यहाँ कुछ हैं जो मृत्यु का स्वाद ही नहीं चखेंगे, ऐसा ही यहाँ हो कि बगैर मृत्यु का स्वाद हम चखे आपके साथ रैप्चर में जाने वाले हों। और ये भी दुआ है, ये काम जल्दी हो। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो भाई बहन इसमें भागीदार हों, केवल बपतिस्मा प्राप्त, छोटा टुकड़ा छोटा घूंट, अलर्ट रहें, मौन रहें, प्रभु की मृत्यु की यादगारी में बने रहें। आमीन।